हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में गुड मॉर्निंग बचे गुड मॉर्निंग आरू गुड मॉर्निंग सुजुका गुड हेलो चलिए बच्चे क्लास शेयर कर दी है थोड़े से बच्चे उठ जाए तो स्टार्ट करते हैं चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है आंसर करिए ठीक है थीके? आंसर बताइए देखिए क्वेश्चन क्या है एमएस वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करना चाहिए आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया और शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया ठीक तो है तो देखिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है कंट्रोल प्लस डिलीट है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट है या फिर बोथ ए एंड बी है बताइए अगर आपको आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है डॉक्यूमेंट जिसमें हम बनाते हैं तो एम एस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है क्या करना है पूरे के पूरे वर्ड्स को जो है आपका डिलीट होल वर्ड ठीक है पूरे के पूरे शब्द को आपको एक डिलीट करना है आपको नहीं चाहिए तो कौन सा वाला शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट ध्यान से बचिए देखिए कंप्यूटर के बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ठीक है तो सर याद रखना इसमें आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दोनों को देख लेते हैं हम देखिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसमें क्या होता है ये आपका सिर्फ डिलीट करता है एक शब्द को वन वर्ड को जो कि लेफ्ट की तरफ होता है कर्जर से ठीक है जहां पे कर्जर हो उसका जो लेफ्ट साइड होता है उसके शब्द को उस शब्द को जो है आपको ये डिलीट कर देता है कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करता है कंट्रोल प्लस डिलीट जो है डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्जर ठीक है कर्जर के बाद जो आपका वर्ड होता है उसे डिलीट कर देता है ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि एक टाइम पे अगर आपको एक शब्द को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए बच्चे दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते

निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है देखिए सेलिनोमीटर है ये सेलिनिटी यानी कि लवणता लवणता को मेजर करता है ठीक है कितना नमकीन है कितना खारापन है ठीक है थर्मोमीटर जो है मेजर द टेम्परेचर तापमान को मेजर करता है बैरोमीटर जो है मेजर मेजर एयर स्पीड यानी कि हवा की स्पीड को मेजर करता है फिर आपका कैलिनोमीटर केली... कैलिनोमीटर जो है आपका हाइट को क्या करता है मेजर करता है चलिए बताइए बहुत आसान सा है आपको बताना है कौन किसे मेजर करता है ये आपको यंत्र दिए हुए हैं। दूसरी तरफ उनका काम दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा वाला यंत्र जो है उसके काम के साथ में सही मैच नहीं कर रहा है कौन सा वाला है ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड ये बैरोमीटर है बच्चे ठीक है बैरोमीटर है बैरोमीटर का काम क्या होता है एयर प्रेशर को मेजर करना ठीक है वायु दाब को मेजर करना ठीक है एयर प्रेशर को मेजर करना तो सेलिनोमीटर है मेजर सेलिनिटी लवणता को मापने का काम आता है थर्मोमीटर आप सभी लोग जानते हैं तापमान को मेजर करने का काम आता है कैलिनोमीटर क्या करता है बच्चे ये हाइट को मेजर करने का काम आता है ऊंचाई को मेजर करने का काम आता है ठीक है जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्योंकि एयर स्पीड को नहीं ये जो है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर को नापने का काम करता है ठीक है वायुदाप चलिए अब एक तरफ आपको एक्ट दिए हुए हैं कानून दिए हुए हैं दूसरी तरफ जो है उन कानूनों की विशेषता कि इनकी विशेष बात क्या थी वो आपको दिया हुआ है सबसे पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सिक्सटी में जो है आपका जो एक्ट आया था उसके अंदर क्या बात था ठीक है नाइनटीन का है नाइनटीन का है और नाइनटीन का है ठीक है तो अब एक का लगाइए यहाँ पे ऑप्शन आपको अच्छे से दिए हुए हैं अगर किसी एक के बारे में पता है तो आप लोग कर लेंगे बताइए बच्चे ध्यान से कौन सा वाला है मैंने कहा अगर आपको किसी एक का मालूम है तो आप कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन आपको बहुत क्लोज सॉरी ओपन दिए हैं देखिए एक का एक वन का है टू है थ्री है या फिर फोर है इसका मतलब अगर एक भी आपको पता है ना तो सारे के सारे हो जाएंगे बताइए कौन सा वाला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सिक्सटी वन इनमें से कौन सी वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबोलिस डायर की इन द प्रोविंसेस, यानी कि प्रांतों में स्टेट में डायर की द्वैध शासन को समाप्त किया गया था कब किया गया था ये बताइए ये. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से कौन सा वाला है विजय नाइनटीन जीरो नाइन डी का वन है वेरी गुड ये पता है डी का वन है चलिए डी का तो वन है 1935 थर्टी फाइव उन्नीस सौ वाला और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लगभग सभी को पता होता तो, तो यहाँ से आपको जो इंडियन काउंसिल एक्ट है एटीन सिक्सटी वन का अठारह सो इकसठ का इसमें आपका जो खास बात रही वो रही बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिसन यानी कि विकेंद्रीकरण पंचायती राज ग्राम पंचायत इस तरीके के चीज जो है आपकी यहाँ पे शुरू हो गई थी ठीक है तो अठारह 1861 1860 में जो है आपका बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है तो ए के थ्री के साथ में अगर आपको पता है तो उसी में आपका आंसर सॉल्व हो रहा है ठीक है ए का थ्री यानी कि ए का थ्री है बी का टू है आपका बी का आपका

स्तंभों में से एक नहीं है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा इन चार स्तंभों में से एक नहीं है मेक इन इंडिया पहल चार स्तंभों पर आधारित है निम्नलिखित में से कौन सा इन चार स्तंभों में से एक नहीं है न्यू प्रोसेसिस है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यू डेस्टिनेशन है या फिर न्यू माइंड सेट है बताइए मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया के बारे में यह भी याद रखिएगा कि दो हजार चौदह में इसे शुरू किया गया था मेक इन इंडिया पच्चीस सितंबर दो हजार चौदह को शुरू किया गया था ठीक है और ये किस लिए है बच्चे इस आ, पूरे इनिशिएटिव का इस पूरे कार्यक्रम का एक सोल पर्पज़ था एक ही पर्पज़ था कि भारत में निवेश को बढ़ाया जाए भारत में क्या किया जाए निवेश को बढ़ाया जाए बाहर की जो कंपनी है उन्हें यहां पे अट्रैक्ट किया जाए यहां पे जो है जो इंडस्ट्रीज है उद्योग है वहां पे विकास किया जा सके ठीक है औद्योगिक विकास बताइए न्यू प्रोसेस है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यू डेस्टिनेशन है या फिर न्यू माइंड सेट है बताओ न्यू प्रोसेस ठीक है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट ये जो है तीनों इसके आधारशिला थे मतलब तीन स्तंभ पे जो है आपकी स्कीम शुरू की गई थी जो नहीं था वो था आपका न्यू डेस्टिनेशन ठीक है तो ये थोड़ा सा आपके लिए डीप प्रश्न बनता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपको पता होना चाहिए देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स इसमें कितनी चीजें आती हैं अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है भारत में या फिर किसी भी देश में बच्चे जब महंगाई होती है ना महंगाई तो इसे नापा कैसे जाता है कि कोई चीज कितनी महंगी है इसे दो प्रकार से नापा जाता है अब देखिए वस्तुएं जब आपकी बनती है या फिर बिकती है मार्केट में तो एक पूरी की पूरी प्रोसेस यूनिट होती है ठीक है अब समझिए इस बात को मेरी देखिए कोई फार्म है बच्चे ये फार्म है यहाँ से कोई चीज बनकर के आई है मान लीजिए यहाँ से जो है

तो जिस रुपए पे वो आपको मिल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ठीक है जिस रुपए में वो आपको मिल रहा है और जिस रुपए में वो होलसेल वाले को मिला है वो दोनों में ही आपका डिफरेंस होगा ठीक है तो दो तरीके से हम महंगाई को माप सकते हैं दो तरीके से महंगाई को मापा जाता है बल्कि या तो हम यहां पे जो है उस कट्टे की कीमत देखें या फिर जो है हम यहाँ तो पे उस टेन के जी के कट्टे की कीमत देखें ठीक है तो दोनों स्तर पे मापा जा सकता है दोनों स्तर पे जो है महंगाई को हम नाप सकते हैं तो अगर हम यहाँ पे नाप रहे हैं बच्चे तो इसे, तो इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं अगर यहां पे पकड़ के के नाप रहे तो हैं कस्टमर प्राइस इंडेक्स ठीक है।, तो है दो तरीके होते हैं अब हमारे देश में ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी वस्तु की जो है हम लोग कीमत जो है जाँचने बैठेंगे कि कोई चीज कितनी रुपए की है उस हिसाब से महंगाई नापेंगे ऐसा नहीं होता है सिर्फ बच्चे उन प्रोडक्ट को देखा जाता है

टोटल कितनी कॉमेडीज आती हैं कितनी है सिक्स नाइनटी सेवन कॉमेडीज सिक्स सेवन वेरी गुड विषय यह है आपका सिक्स नाइन सेवन कॉमोडिटीज यानी कि जब हम होल होलसेल प्राइस इंडेक्स नाप रहे हैं किसी चीज की महंगाई नाप रहे हैं बच्चे तो उसमें हम कितनी वस्तुएं लेंगे उसमें हम छो सत्तानबे वस्तुओं को देखते हैं या फिर उनकी जांच की जाती है वहीं अगर हम सी पी आई नाप रहे हैं अगर हम कस्टमर प्राइस इंडेक्स नाप रहे हैं तो उसमें हम कित उस जो है हम क्या नापेंगे उसमें हम कितनी वस्तुओं को नापेंगे टू नाइनटी नाइन अभी वर्तमान में ठीक है वर्तमान में सी पी आई में जो है दो सौ निन्यानवे वस्तुएं हैं ठीक है टू नाइनटी नाइन वस्तुएं हैं और जब हम

एक नहीं था डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ आपको पता है क्या है वर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है डब्ल्यू और ओ की स्थापना जो है 1995 में हुई थी उन्नीस में हुई थी ठीक है इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका काम क्या है उद्देश्य क्या है परपज क्या है परपज है रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना नियंत्रित करना रेगुलेट करना ठीक है रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड अगला है आपका मेंबरशिप 164 जो है इसमें क्या है आ, सदस्य राष्ट्र है वर्तमान में ठीक है अब डब्ल्यूट्यू की जो पहली मीटिंग हुई थी पहली जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था 1996 में उन्नीस में तो इसमें जो है आपका क्या मुद्दों पे बात नहीं की गई थी बताइए जरा बहुत कॉमन सेंस वाली बात है बच्चे 1995 में संस्था बनी उन्नीस में पहली बार इनकी मीटिंग हुई लोग आए बैठे ठीक है तो किस बारे में बात नहीं की गई होगी जिस चीज जिस चीज के लिए बनी नहीं होगी उसके बारे में बात नहीं होगी वो भी सी बात है हाँ कस्टमर जो है होलसेलर से अगर प्रोडक्ट लेगा ओबियस ही बात है हम लोग करते भी तो है कई बार आप लोग भी करते होंगे हम लोग भी करते हैं कि अगर जो है हमें बल्क में सामान लेना है बल्क मतलब बहुत ज्यादा अगर सामान लेना है क्योंकि होलसेलर भी आपको एक चीज तो देगा नहीं होलसेलर भी बच्चे जब रिटेलर को रिटेलर को सामान देता है जब दुकानदार जब कोई सामान खरीदता है तो वो भी बल्क में खरीदता है ठीक है तो हम हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती नहीं होती है लेकिन अगे अगर कभी जो है किसी पर्पज़ के लिए हमें बहुत सारी चीजें लेनी है एक ही साथ तो हम जो है अपने रिटेलर के पास से ना लेकर करके हम हो, जो होलसेलर होता है उसके पास से लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ जाता है ठीक है मतलब सस्ती पड़ती है चीजें वेरी गुड ये आपका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है है ठीक देखिए अब मैंने कहा कि WTO को बनाया क्यों गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल किया जा सके ठीक है तो व्यापार से रिलेटेड चीजें ही वहां पर डिस्कस होंगे इन्वायरमेंट का कोई काम नहीं वहां पे ठीक है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वहां पर बात नहीं हुई थी वहां पर बात हुई थी निवेश करने की इन्वेस्टमेंट की वहां पर बात हुई थी कॉम्पिटिशन पॉलिसी की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोकमेंट ठीक है तो इन तीनों की बात हुई थी पे, की बात नहीं हुई थी ये आपका सही जवाब है अगला है चलिए उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं ठीक है ट्रोजन हॉर्स है Denial of service है, है है? है? है 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 है? या फिर बताइए, कौन सा वाला ये जो है जो है, cyber security, cyber जो प्रकार बच्चे, आजकल एक नाक में दम करने वाली चीज़ बनी हुई, लगभग सभी की, ठीक तो साइबर हमले से रिलेटेड है साइबर अटैक से रिलेटेड प्रश्न है आपको बताना है कौन सा वाला हमला ऐसा होता है जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं बताइए कौन सा है जो पूरी तरीके से आपके सिस्टम पे क्या हो जाते हैं हावी हो जाते हैं कौन सा वाला हमला ट्रोजन होट्स डिनाइल ऑफ सर्विस स्पैम फिशिंग कौन सा है ये अच्छा इसे याद रखना बच्चे ये है आपका डिनाइल ऑफ आप सर्विस ठीक है डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है कि इस प्रकार से ये हावी हो जाता है कि किसी भी सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं वै अनुरोधों को पूरा होने से रोकने का मतलब क्या है जैसे कि आपके जो सिस्टम है उस पर जो है डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक हुआ है ठीक है वहां पे जो है ये वाला जो सर्विस साइबर अटैक है वो हुआ है तो उसके बाद में बच्चे आप अपने सिस्टम में कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना वो नहीं हो पाएगा जैसे कि आपने उसे रिबूट करने की कोशिश करी आपने कोई फाइल डिलीट करने की कोशिश करी ठीक है कोई भी चीज़ जो है आप करने की कोशिश करेंगे जो कि उसे ठीक कर सकता है वो जो है वो होने ही नहीं देगा वो प्रोसेस जो है वो आगे होती नहीं ठीक है तो इस प्रकार के साइबर अटैक को कहते हैं डिनाइल ऑफ ठीक है ऑफ सर्विसेज अगला आपका इकोनॉमिक से क्वेश्चन है फॉरेन कैपिटल यानी कि विदेशी पूंजी निवेश के स्तर को बढ़ाने में सहायक है दूसरा आपका विदेश पूंजी तकनीकी ज्ञान के विस्तार में सहायक है बताइए थोड़ा सा विदेशी पूंजी विदेशी पूंजी को समझते हैं ना बाहर के कोई देश है जो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर की कोई कंपनी है जो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे कहते हैं विदेशी निवेश ठीक है विदेशी पूंजी तो जो विदेशी पूंजी होती है वो कहाँ पे हेल्प करती है ध्यान से पढ़िए दोनों को और बताइए कौन सा वाला सही है बच्चे विदेशी निवेश अगर कोई दूसरा देश है बाहर का कोई देश है अगर उसके द्वारा यहाँ पे निवेश किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो जो है आपका क्या होगा निवेश के स्तर को बढ़ाने में सहायक होगा ठीक है निवेश का स्तर बढ़ाएगा ओबिय निवेश का स्तर बढ़ेगा ही ना एक तो हम हैं जो कि अपने यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं जब बाहर के भी बाहर के लोग भी अगर यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो ओबीएस बातें ऊपर ही जाएगा ठीक है स्तर जो है आपका ऊपर ही रहेगा उसके अलावा क्या है विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान के विस्तार में सहायक है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में जो है इससे वृद्धि होती है वेरी गुड बच्चे बोथ बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट ठीक है दोनों ही सही है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है चलिए अब ये आपको कुछ फूड ग्रेन्स दिए हुए हैं कुछ खाद्य सामग्रियां हैं जैसे कि राइस हो गया उड़द हो गया बार्ली हो गया और व्हीट हो गया ठीक है गेहूं है है आपका आपका बाजरा है, और उड़द की दाल है और राइस यानी कि चावल है अब इन खाद्य सामग्रियों को जो है जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बच्चे कुछ ग्रंथ हैं हमारे हिंदुज्म में जो ग्रंथ हैं वहां पे जो है इनका उल्लेख तो किया गया है लेकिन अलग अलग नामों से किया गया है ठीक है तो वही आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है राइस यानी कि चावल चावल को हमारे ग्रंथों में ब्रिही कहा गया है उड़द को माश कहा गया है बार्ली को यव कहा गया है और वीट यानी कि गेहूं को गौमत कहा गया है कौन सा वाला सही नहीं है बच्चे बताओ क्या नाम है इसका ठीक है देखिए इसे याद रखना है आपको ठीक है नहीं पता है कोई बात नहीं याद रखना राइस यानी कि चावल को ब्रिही कहा गया है बिल्कुल सही है उड़द को जो है मास कहा गया है गेहूं को गेहूं कहा गया बच्चे गौमत नहीं ठीक है तो गेहूं का आपका गलत हो जाता है बारले को यव कहा गया है ठीक है ये आपका गलत हो जाता है गेहूं का चलिए अब अगला क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है देखिए ये आपकी कुछ चीजें हैं फेमा हो गया नाबार्ड हो गया बजट हो गया सीपीआई सीपीआई अभी जैसा आप लोगों ने पढ़ा कस्टमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई ठीक है इसका फुल फॉर्म है कस्टमर प्राइस इंडेक्स ठीक है अभी ने आपको मैच करना है सही मैच करना है बजट जो है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है ठीक है एनुअल फाइनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है उसके बाद है एसएचजी एसएचजी का मतलब होता है बच्चे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह ठीक है स्वयं सहायता समूह और बैंकों के बीच में एक लिंकेज प्रोग्राम है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके लगाइए इसे कौन सा वाला होगा काफी आसान है ये भी आपका आप कहते होंगे मैम बोलती है सारे के सारे आसान ही है। थ्री फोर वन टू वेरी गुड बच्चे थ्री फोर वन टू माने कि देखिये बजट क्या है बजट बजट क्या है बजट बचे शब्द जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है कहीं पर भी नहीं लिखा गया है बजट के बारे में बजट को जो डिफाइन किया गया जिस शब्द से डिनोट करते हैं वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण ठीक है तो ये पहला वाला जो है आपका थ्री हो गया उसके बाद जस्ट अभी सोचिए कि आप लोगों ने पढ़ा सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स मैंने क्या कहा कि ये महंगाई को नापने का क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है एक टूल है ठीक है तो सीपीआई कहाँ पे जाएगा आपका इन्फ्लेशन पे जाएगा महंगाई पे अब इन दोनों को मिला करके देखिए कि ए का थ्री देखिए कितना आसान सा आपको दिया हुआ है एक का थ्री ए का सिर्फ एक ही आपका थ्री दिया हुआ है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा ए का आपका थ्री हो गया बी का आपका फोर हो गया बी का आपका फोर हो गया और सी का आपका ए हो गया देखिए नाबार्ड नाबार्ड वैसे क्या एक डेवलपमेंट बैंक है रूरल डेवलपमेंट बैंक ठीक है रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है ग्रामीण विकास ठीक है तो गाँव के विकास करने के लिए एक बैंक बनाया गया है ठीक है ये क्या करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाता है और साथ ही में जो गाँव में काम करने वाले जो एस एस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी भी सहायता करता है ठीक है तो ये हो गया आपका जो स्वयं सहायता समूह है और जो आपका बैंक है उनके बीच का क्या है एक लिंकेज प्रोग्राम है उन दोनों को लिंक करने का काम करता है नाबार्ड ठीक है तो इन तीनों को याद रखना अगला है प्रसिद्ध लिपि एक स्क्रिप्ट है बच्चे, जिसका नाम है मट्ट विलास प्रहसन मट्ट विलास प्रहसन ये क्या है एक लिपि स्क्रिप्ट है एक ठीक है अब ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है मट्ट विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखी गई है सिंह विष्णु नरसिंह वर्मन या फिर महेंद्र वर्मन या फिर परमेश्वरन क्या है किसने लिखे ये अच्छा नाम याद रखिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम ठीक है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखी गई है स्क्रिप्ट मट्टविलास प्रहसन अगला प्रश्न है आपका अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड है इकोनॉमी का क्वेश्चन है राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी राजस्व संग्रह और व्यय का उपयोग है ठीक है ये बच्चे फाइनेंशियल राजकोषीय नीति के बारे में सॉरी फिजिकल पॉलिसी के बारे में है ठीक है उसके बाद में है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति के विषय है ये भी काफी मतलब बेसिक लेवल का आपको पूछा हुआ है बताइए कौन सा वाला सही है बच्चे कौन सा वाला सही है पहला पहला कथन कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजकोषीय नीति जो है फिजिकल पॉलिसी जो है वो सरकार का इंस्ट्रूमेंट है सरकार के द्वारा अपनाई जाती है नीति ठीक है और किस चीज से रिलेटेड है राजस्व यानी कि सरकार जो टैक्स राजस्व का मतलब होता है बच्चे रेवेन्यू रेवेन्यू तो रेवेन्यू जो सरकार का होता है सरकार की जो कमाई होती है कमाई जो है कितनी हुई है और सरकार ने कितना पॉलिसी यही है बच्चे सरकार के द्वारा ऐसी नीति जिससे कि सरकार अपने खर्चे को सरकार अपने कमाई को क्या कर सके नीतिगत कर सके उसे जो है पॉलिसी बना सके ठीक है तो यह आपका फिजिकल पॉलिसी उसके बाद में स्टेटमेंट सेकेंड आता है कि राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ही मौद्रिक नीति के विषय हैं तो ये दोनों ही मौद्रिक नीति के विषय नहीं है ये हैं आपके राजकोषीय नीति के ठीक है दो चीजें होती है बच्चे दो पॉलिसीज होती हैं एक तरफ आपकी मॉनिटरी पॉलिसी होती है, है जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति तो मौद्रिक पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है इसके क्या क्या टूल आते हैं मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें आपका रेपो रेट आता है इसमें आपका रिवर्स रेपो रेट आता है इसमें आपका बैंक दर आता है इसमें आपका सी आता है ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं ये आपके मॉनिटरी पॉलिसी के हैं ठीक है ठीके? जबकि इस जो सरकार की फिजिकल पॉलिसी है इसके जो कंपोनेंट है वो ये है बच्चे राजस्व व्यय है पूंजीगत व्यय है राजस्व जो है आपका गेन है ठीक है और पूंजीगत गेन है तो सरकार का जो खर्चा है सरकार के जो लाभ है ठीक है गेन है वो सारे के सारे जो है फिजिकल पॉलिसी में आते हैं ठीक है ठेके? तो ये सारे के सारे राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय ये जो है फिजिकल पॉलिसी के सब्जेक्ट है ना कि मॉनिटरी पॉलिसी के तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाता है इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट सिर्फ आपका पहला ही सही है अगला निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है एडिशन वैलिड वर्जन सॉरी एडिशन नहीं वर्जन कहेंगे इसे आईपी एड्रेस जो होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आईपी एड्रेस बच्चे ईमेल जब आप लोग भेजते हैं एक दूसरे को तो आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है ठीक है तो आईपी एड्रेस के अभी मार्केट में जो है दो वर्जन चल रहे हैं ठीक है दो वर्जन चल रहे हैं तो उनमें से जो है आपका एक नहीं है बताइए अब दो वर्जन है उनमें से एक नहीं है कौन सा वाला है बताओ ये इकोनॉमिक्स कभी समझ नहीं आएगी जब हम पढ़ते थे हमें भी अच्छी लगता था कभी ना समझने समझ में आने वाला विषय है नहीं है बच्चे थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझ पाएंगे ठीक है इसे ऐसे याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका आईपी इसके अभी मार्केट में बच्चे दो वर्जन चल रहे हैं एक वर्जन है आपका आईपीवी फोर और एक है आपका आईपीवी आईपीवी इलेवन अभी तक नहीं आया है तो ये आपका नॉन वैलिड है, 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 है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है इनमें से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है मदुरई है तुतिकोरीन है या फिर मैटूर है किसे जाता है? कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चे कोयम्बटूर को ठीक है ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को कहा जाता है अगला प्रश्न फिर से जो है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा आंसर बताइए मुझे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट आर 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 रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा ठीक है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी मैंने आपको बताया कि जो मौद्रिक नीति होती है ना मॉनिटरी पॉलिसी वो अपनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई की नीति होती है ठीक है अब इस नीति के तहत क्या करता है बच्चे रिजर्व बैंक कभी जो है वो रेपो रेट को बढ़ा देता है कभी रेपो रेट को घटा देता है कभी रिवर्स रेपो रेट को ऊपर कर देता है कभी नीचे कर देता है ठीक है तो यहां पे पूछा हुआ है कि जब रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा ठीक है अभी तो नहीं बता पाएंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाइए ठीक है ये देखिए ये आपका रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वह दर है वह रेट है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि हमारा कौन है आरबीआई ठीक है वह दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के भीतर किसी कॉमर्शियल बैंक से किसी वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेता है समझ रहे हैं आप ये बात ये आपका कॉमर्शियल बैंक है मान लीजिए एस है ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन है आर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है लोन चाहिए पैसा चाहिए उसे तो वो कहाँ से लेगा जो कॉमर्शियल बैंक है वहीं से पैसे लेगा ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एस से लोन लिया और उसे जो है वो किसी ना किसी दर पे लेगा ना जैसे कि उसने जो है अगर सौ रुपये का लोन लिया है तो जब वापस करने की बारी आएगी तो सौ रुपए तो नहीं लौटाएगा सौ के बदले जो है एक सौ दस रुपए मान लीजिए उस पर कुछ परसेंट का जो है ब्याज लगा और उसने जो है लौटाते समय उसे एक सौ दस रुपए का लौटाया है ठीक है तो ये बच्चे जो इंटरेस्ट लग रहा है ना इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट ठीक है तो इस इंटरेस्ट को कौन देगा आरबीआई देगा अब ये बात थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा उसका लोन जो है वो महंगा हो जाएगा एस जब उसे लोन दे रहा होगा तो रेट जितनी ज्यादा होगी उसका जो लोन है वो उतना ज्यादा महंगा होता जाएगा ठीक है सौ रुपए का अगर लोन ले रहा हूं मैं अगर रेट जो है आपकी बढ़ा दी जाए तो जहां एक सौ वापस करने पड़ रहे हैं अगर रेट बढ़ जाएगी तो एक वापस करने पड़ेंगे और रेट बढ़ जाएगी तो एक सौ वापस करने पड़ेंगे ठीक है तो आरबीआई जो लोन रहा है वो आपका बढ़ रहा है अगर आर 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 बढ़ रहा है तो इसे मार्केट में क्या खलबली मचेगी ये पूछा है आपको इससे मार्केट में क्या चेंजेस होंगे बताइए क्या होगा क्या होगा बच्चे? लिक्विडिटी डिक्रीज होगी और डिमांड भी वेरी गुड तरलता डिक्रीज होगी ठीक है तरलता क्या होगी बच्चे कम होगी तरलता कम कैसे होगी मार्केट में जो है पैसा क्या होगा मार्केट में पैसा आपका कम आना शुरू हो जाएगा मार्केट में पैसा तभी ज़्यादा होता है ना जब बैंकों के पास में पैसा ज़्यादा होता है ठीक है तो आप एक बात सोचिए कि जब बैंक के पास में जो एस है बच्चे इसके पास में खूब सारा पैसा है ठीक है अभी जो है इसके पास में पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है तो अभी जो है वो इस पैसे को कहाँ देने की कोशिश करेगा मार्केट में मतलब आपको मुझे जो है लोन देने की कोशिश करेगा ठीक है उसके पास में पैसा है लेकिन सोचिए कि आर ने जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी ठीक है और इसको जो बैंक है उसे जो है अब लोन आ, हमें देने के बजाय उसे जो है आर को देने में फायदा नजर आ रहा है अब सोचिए इस बात को कि जब वो हमें लोन दे रहा है अगर उसका आर 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 बढ़ जाता है तो उसे फायदा कहाँ पे दिखेगा कि आरबीआई को लोन देने में ज्यादा फायदा है तो वो अपने पैसे को बच्चे हमें ना दे करके वो कैसे देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा इससे क्या होगा मार्केट में पैसा का फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाएगा इसका मतलब कम हो जाएगा लोन आपको नहीं मिलेगा लोन मिलेगा आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ठीक है तो रिड्यूसिंग लिक्विडिटी एंड डिमांड ठीक है ये आपको समझना है ऐसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टूल का इस्तेमाल करता है कभी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कभी तरलता को घटाने के लिए ठीक है तो ये है आपका बी चलिए अब जो है आपको सेंसस से रिलेटेड आंकड़े में बताती हूँ आज जो है एम नहीं रहेंगे सेंसस के लास्ट टाइम इसे देख लेते हैं ठीक है कौन कौन सी चीज़ें हैं ये ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हैं और जब आपको पीडीएफ मिलेगी बच्चे आज की क्लास की तो जितना भी सेंसस के हमारे तीन सेशन हो गए इससे पहले तीन क्लासें हुई हैं वो भी डेटा आपको यहीं पर मिल जाएगा ठीक है अभी नहीं है लेकिन बाद में जो है आपको इसी पी में मिल जाएगा देखिए आप सबसे पहले जनगणना 2011 की कौन से नंबर की थी पंद्रहवीं राष्ट्रीय जनगणना थी ठीक है पंद्रहवीं नंबर की थी इस जनगणना में जो आयुक्त थे या फिर रजिस्ट्रार जनरल थे उनका नाम आपको याद रखना है श्री सी चंद्रमोली इनका नाम है ठीक है उसके बाद है जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था हमारी जनगणना हमारा भविष्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य था अब आता है लिंगानुपात भारत का ठीक है ये है आपका राष्ट्रीय लिंगानुपात नेशनल सेक्स रेशियो ये रहा आपका 943 फोर्टी थ्री महिलाएं हजार पुरुषों पे ठीक है नौ याद रखना जनसंख्या का घनत्व जो है आपका देश का इंडिया का है 382 एट्टी टू उसके बाद साक्षरता दर भारत की कितनी है ये आपका 74.04 सारी के सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई लेकिन बेसिक है तो इन्हें आपको गलत किसी भी हाल में नहीं करना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ठीक है किसी भी हाल में इन आंकड़ों को आपको गलत नहीं करना है बहुत बेसिक चीजें हैं आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं अब चलिए बढ़ते हैं आंकड़ों को थोड़ा सा खोलते हैं जैसे कि हमने पढ़ा इससे पहले कि वो राज्य बताइए जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ठीक है अभी आपको सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है अभी है उत्तर प्रदेश ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी ये बच्चे पूरे हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका सोलह है ठीक है उसका सोलह है और है कितनी एक्चुअल में नाइनटीन करोड़ यूपी की अकेले की पॉपुलेशन है उन्नीस करोड़ लगभग उन्नीस करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के पास में ठीक है लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप और पढ़ते हैं कि अगर यूपी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है तो ये जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं या फिर गांवों में रह रहे हैं ठीक है शहरी जनसंख्या कितनी है और जो है जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है तो यूपी का याद रखिएगा अगर एक ही एक ही बात है ना अगर शहरों का याद हो गया आपको तो ग्रामीण का निकाल लेंगे अगर गांव का याद हो गया तो शहरों का निकाल लेंगे लेकिन ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आज भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गाँव में ही रह रही है रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है शहरों का जो जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बाईस दशमलव दो सात प्रतिशत ठीक है याद रहेगा ना यूपी में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग जो हैं गाँवों में रह रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं वो है आपके बाईस दशमलव दो सात प्रतिशत अकॉर्डिंग टू सेंसस ट्वेंटी ठीक है दो के जनसंख्या के अनुसार याद रखेंगे इतना उसके बाद हमने पढ़ा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह है आपका सिक्किम सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है ठीक है सबसे कम पॉपुलेशन है तो है कितनी छह लाख दोनों में कंपेयर करिए बच्चे यूपी एक स्टेट जिसकी जनसंख्या है उन्नीस करोड़ एक स्टेट जिसकी जनसंख्या है सिर्फ और सिर्फ छह लाख ठीक है तो यह आपका सिक्किम है और सिक्किम में जो ज़्यादा लोग रहते हैं वो भी गाँव में ही रहते हैं रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे भी ज़्यादा है शहरों में कितना प्रतिशत रह रहा है आपका 16 परसेंट सिर्फ और सिर्फ 16 प्रतिशत लोग जो हैं शहरों में निवास कर रहे हैं सिक्किम में ठीक है तो इतना थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जो इंपॉर्टेंट स्टेट है ना उसके बारे में थोड़ा सा एक और डिटेल हम मैंने ऐड की हुई है तो देखिए कहाँ पे आपका जो है फ़ायदा होता है क्योंकि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी ठीक है तो ये हो गया आपका जनसंख्या के जनसंख्या से रिलेटेड अब आता है आपका हाँ ये भारत का ही है बच्चे इंडिया का है भारत में जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है जो संरचना है वो कैसी है पूरे भारत में पूरे भारत में बच्चे जो ग्रामीण जनसंख्या है रूरल जो पॉपुलेशन है वो आपकी ज्यादा है ठीक है ग्रामीण जनसंख्या है लगभग 68.8 परसेंट और जो अर्बन पॉपुलेशन है शहरी जनसंख्या है वो है आपकी थर्टी ठीक है तो इकतीस लोग मतलब सौ में से जो है वो आपके शहरों में रह रहे हैं और बाकी के जो आपके अड़सठ लोग हैं वो आपके गाँव में रह रहे हैं ठीक है हो गया क्लियर इतना ये हम इंडिया की बात करें भारत की बात करें अब आता है स्टेट में कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन से हैं ठीक है तीके? जिन स्टेट में जिन, जिन क्या कहते हैं राज्यों में जिन राज्यों में ज्यादा लोग गांव में रह रहे हैं वो कौन कौन से हैं तो बच्चे बिहार और सिक्किम का नाम याद देखिएगा बिहार और सिक्किम के पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा है ठीक है बिहार और सिक्किम में सबसे ज्यादा रूरल प्रतिशत है सबसे ज्यादा ग्रामीण आब... आबादी का प्रतिशत है उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व ये आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है दिल्ली की है लेकिन दिल्ली जो है आपका यूनियन टेरिटरी है ये प्रश्न आता है राज्य के मामले में कि बताइए राज्यों में किसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व है तो इसमें आपका बिहार पहले नंबर पर है ठीक है तो दिल्ली का कितना है बच्चे ग्यारह सोचिए कितनी सी जगह में कितने सारे लोग हैं यहाँ पे ठीक है तो ग्यारह का यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है और बिहार की बात करें तो यहाँ पे आपका एक का पॉपुलेशन डेंसिटी है ठीक है याद रखना ये सबसे ज्यादा है इसका हाँ फिर बिहार चूंकि जो है राज्यों में सबसे ऊपर आता है तो बिहार के बारे में याद रखिएगा क्योंकि दिल्ली का तो क्या ही वहाँ पे तो शहरों में ही है सारे का सारा ठीक है अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगा ऑटोमेटिकली लेकिन बिहार का याद रखना कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और लगभग बचे एटी हिस्सा जो है इसका ग्रामीण पॉपुलेशन का है ठीक है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है और इसका आपका लगभग नब्बे नब्बे का मतलब लगभग नब्बे हो गया आपका 89 परसेंट जो यहाँ पे पॉपुलेशन का हिस्सा है वो आज भी जो है गांव में रह रहा है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है दूसरा आता है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसका है तो याद रखना हमेशा ये आंकड़ा सत्रह ठीक है यानी कि खतरा अरुणाचल प्रदेश किसका है ये अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश का है आपका सत्रह जनसंख्या घनत्व ठीक है हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी वाला भी इससे ज्यादा और डीप नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी में इससे ज्यादा और डीप नहीं जाना है इतना पॉइंट याद रखिएगा ठीक है उसके बाद आता है आपका लिटरेसी रेट साक्षरता दर साक्षरता दर उच्चतम किसकी है सबसे ज्यादा है केरला की किसके सबसे ज्यादा केरला की कितनी ज्यादा है यह है नाइंटी फोर परसेंट ठीक है चौरानबे प्रतिशत है अभी केरला की साक्षरता दर अब जो है सिर्फ साक्षरता दर इसकी नहीं पूछी जाएगी आपको पूछा जाएगा कि केरल में जब नाइंटी फोर परसेंट का लिटरेसी रेट है तो बताइए कि लड़के ज्यादा पढ़े हुए हैं या लड़की ज्यादा पढ़ी हुई है ठीक है तो पुरुषों का जो आपका यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो है आपका छियानबे प्रतिशत बैठे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये केरल में आपका Uh, आपने देखा होगा लिंगानुपात भी यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे जो है आपका सेक्स रेशियो भी ज्यादा है केरला का लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन है ना उसमें आपके पुरुष ही आगे हैं ठीक है ठीके? तो पुरुष जो है आपके छियानबे प्रतिशत मेल जो है यहाँ पे आपका आ, मेल का परसेंटेज है लिटरेसी रेट है और महिलाओं का साक्षरता दर जो है आपका यहाँ पे नाइन्टी तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा पुरुषों का नाइन्टी जो है आपका यहाँ पे लिटरेसी रेट है और केरला का अपना जो लिटरेसी रेट है वो आपका नाइन्टी ठीक है इतना याद रखना है उसके बाद में आपका लक्ष्यद्वीप का दूसरे नंबर

सौ में से सिर्फ और सिर्फ सैतालीस लोग बिहार में पढ़े लिखे हैं जबकि केरला में सौ में से चौरानवे लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं अगला पॉइंट आता है आपका सेक्स रेशियो का लिंगानुपात का सबसे ज्यादा है अगेन केरला में वन जीरो एट फोर ठीक है वन जीरो एट फोर जो है यहाँ पे सेक्स रेशियो है मतलब कि एक हजार पुरुषों पे जो है चौरासी महिलाएं ज्यादा है ठीक तो है तो एक वन जीरो का लिंगानुपात है सबसे कम कहां का है वो भी याद रखना दमन और दीव का है छह सौ अठारह दमन और दीव का लिंगानुपात है छह सौ अट्ठारह सबसे कम है इसलिए पूछा भी जाता है ये ठीक है दूसरा क्या है आपको केरल का एक और चीज याद रखना है इसका जो लिंगानुपात है ना सेक्स रेशियो आप देखेंगे तो ये एडल्ट जो लोग हैं वयस्क जो लोग हैं उनमें तो ज्यादा है लेकिन बच्चे बाल लिंगानुपात इसका कम है ठीक है तो केरल का बाल लिंगानुपात भी आता है क्या 964 जो कि इसके पूरे लिंगानुपात से क्या है कम है ठीक है तो बाल लिंगा लिंगानुपात जो है आपको केरल का याद रखना है 964 और केरल का अपना जो सेक्स रोशन है वो है 1084 और दमन और दीव का भी याद रखना है 900 900 सॉरी 618 six one eight आगे है आपका भारत की जनसंख्या की द... हाँ ये कुछ एक पॉइंट है एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चे इन्हें याद रख लेना भारत की जनसंख्या की दश के वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर ठीक है दश के वृद्धि दर डिकेटर जो आपकी दस सालों में होती है वो कितनी है ये भी कई बार पूछी जा चुकी है इसे याद रखना सेवनटीन पॉइंट और जो बच्चे वार्षिक वृद्धि दर है वो है आपका वन पॉइंट ठीक है उसके बाद आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विकास दर ठीक है ये इनकी जो है रेट है ग्रोथ रेट है तो राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेघालय की जो ग्रोथ रेट है वो देखी गई है सबसे ज्यादा मेघालय की जितनी दो हजार एक में इसकी पॉपुलेशन रही होगी उससे जो है आपके ये सत्ताईस लोग बढ़ गए हैं मतलब ये है इसका मतलब ठीक है तो मेघालय की सबसे ज्यादा है ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट टू नागालैंड का जो है ये सबसे कम रहा और नेगेटिव में रहा माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन इसमें घटे हैं बच्चे नागालैंड में, में पॉपुलेशन जो है वो घटी है ठीक है बड़ी नहीं है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आंकड़ा है मेघालय का टू सेवन पॉइंट एट टू नागालैंड का माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन ठीक है तो ये जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ आपको फ्री में मिलती है ठीक है तो आप जब भी भी आपका एग्जाम हो उससे एक दो दिन पहले जो है रिवाइज़ करना बहु, बहुत बहुत आवश्यक है जो भी हमने तीन दिनों में पढ़ा है सेंसस से रिलेटेड वो सारे का सारा एक ही पीडीएफ में आपको दिया जाएगा ताकि एक ही पीडीएफ आपको पढ़नी पड़े बार बार हर हर पीडीएफ खोलने की आवश्यकता ना पड़े इसी में सारे का सारे डाटा मिल जाएगा ठीक है इसे आप चाहे तो प्रिंट करवा ले कहीं पे भी जहां पे आपका स्टडी टेबल है वहां पे चिपका करके रख लीजिए क्योंकि आंकड़े आपको ही पता है पहले इसी क्लास में आपको याद नहीं होने वाले हैं आपको बार-बार बार-बार देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा उसके बाद में आपको ये याद रहेंगे ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी आपको याद रखना है अगला आंकड़ा है आपका भारत का धार्मिक कल मैंने आपको बताया था रिलीजियस जो है इसमें क्योंकि परसेंटेज ही याद करनी है आपको देखिए धर्म का प्रतिशत कितना है सबसे ज़्यादा जो सबसे मेजोरिटी में जो आपका धर्म है वो है आपका हिंदुज़म 79.80 नाइन परसेंट हिंदुज्म का ठीक है मुस्लिम को भी याद रखना फोर्टीन क्योंकि दूसरे नंबर पर है ठीक है सबसे कमों को बच्चे याद रखना जैन जैन का जो परसेंटेज है वो है आपका जीरो पॉइंट थ्री ठीक है बुद्धों का याद रखना जीरो सिखों का वन और ईसाइयों का टू

महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है ठीक है तो देखिए अगर हम मेल के लिए देखते हैं पुरुषों के लिए देखते हैं तो सबसे एक मेन जो रीजन है वो है आपका रोजगार और व्यवसाय पुरुषों में माइग्रेशन क्यों हो रहा है रोजगार और व्यवसाय के लिए तो इसका परसेंटेज याद देखिएगा कि ट्वेंटी जो है ये रीजन है ठीक है तो सौ में से छब्बीस लोग जो है अपना घर छोड़ रहे हैं क्यों क्योंकि उन्हें रोजगार या फिर व्यवसाय अपना बिजनेस करना है ठीक है फिर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में आपके सिक्सटी जो है ये आंकड़ा है कि सौ में से छसठ महिलाएं जो है माइग्रेट हो रही है क्यों क्योंकि उनकी शादी हो रही है ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखना कि दोनों में आपका पलायन का जो मुख्य कारण है महिलाओं में पुरुषों में वो अलग अलग है कितना परसेंटेज है ये भी याद रखिएगा ठीक है तो देखिए महिलाओं का तो थोड़ा सा क्लियर व्यू है आपको पता है शादी हो जाती तो लड़की जगह जाती है तो छसठ पॉइंट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट जो है वुमेंस का है और मेन का है आपका ट्वेंटी सिक्स परसेंट तो बहुत सारे आंकड़ों की बारिश हो गई आज, आज आप लोगों पर तो ये पीडीएफ मिलेगी और अपने टेबल पर चिपका लेना है इसे ठीक है दिन रात देखते रहना है तब कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा चलिए बच्चे आज के सेशन को भी यहीं पे समाप्त करते हैं रीजनिंग के लिए तैयार हो जाइए हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों क्या हाल चाल है सबके ठंडा बहुत है है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए फटाफट से करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट डेली जो आपके पास क्लासेस चल रही हैं बहुत सारी चीजें देखो आपको सीखने को मिली होंगी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले से भी पता होंगी हर एक चीज हमें लेकर चलना है जो चीज हमें आती है उसको भी हमने पढ़ना है और जो चीज हमें नहीं आती उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है कभी भी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि ये चीज तो हमें आती है इसे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है या फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत बार हम ऐसे करते हैं और यह होती है हमारी बिल्कुल ही छोटी सी मिस्टेक क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे को आता है तो क्या क्या पढ़ना है इसको छोड़ो और जब पेपर में उसे रिलेट करता हुआ, तो तो में पे हुआ हुआ वो क्वेश्चन आ जाता है कि जो चीज आपको आती है उसको अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा लेकिन हमेशा पढ़ा कीजिए कभी भी छोड़ा मत कीजिए ठीक है चलिए 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 करते हैं स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा वाला क्वेश्चन है सबसे पहले क्योंकि यहां पर हमें इंग्लिश हिंदी दोनों दे रखे हैं बाइलैंग्वल चलो ठीक है नेगेटिव आपके पास आ चुका है और कंक्लूजन में भी क्या है आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है ये वाला तो फटाफट से बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स और बोर्ड में सम का रिलेशन है तो कंप्यूटर है और जो हमारे बोर्ड है उसमें किसका रिलेशन है सम का रिलेशन है नेक्स्ट ये बोर्ड होगा ठीक है बोर्ड और चौक में सम का रिलेशन है बोर्ड और क्या आपके पास चौक में सम का रिलेशन है जैसा जैसा बोले वैसा वैसा रिलेशन निकालते रहो वहां पे सिलोगिज्म कहता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा, वैसा करते रहो उसके बाद आपको अगर अपना माइंड लगाना है तो वो आप माइंड लगा सकते हो मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा लेकिन शॉर्टकट आपको अगर बनाना है तो वहां पर आप बना सकते हो अपना शॉर्टकट यानी किसी और तरीके से अगर चलना है तो वो तरीका भी आप वहां पर अपना सकते हो तो जैसा उसने बोला वैसा हमने कर दिया सबसे पहले उसने बोला कंप्यूटर्स आर बोर्ड्स कंप्यूटर बोर्ड का सर्कल हमने क्या कर दिया सम में लगा दिया फिर सम का रिलेशन है बोर्ड और किस में चौक में वो भी बना दिया फिर पूरा चौक का जो सर्कल है वो किसके अंदर आना चाहिए बल्ब के अंदर आना चाहिए तो पूरा चौक का जो सर्कल है वो हमने किसके अंदर ला दिया है बल्ब के अंदर ला दिया है नेक्स्ट बल्ब और ट्यूबलाइट टच नहीं होने चाहिए तो जैसा जैसा उसने बोला वैसा हमने बना दिया लेकिन यहां पर यहां पे क्या है आपके पास नेगेटिव है कंक्लूजन में भी नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड डायग्राम हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि कोई कंक्लूजन अगर सही है तो आप चाहे उसको हजार डायग्राम में भी कन्वर्ट कर दो ना फर्क नहीं पड़ेगा सही वाला हमेशा क्या दिखाएगा सही दिखाएगा ठीक है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहीं पर मैं बना देता हूं छोटा सा सम कंप्यूटर्स आर बोर्ड्स सम बोर्ड्स आर चौक ऑल चौक आर बल्ब और उसने मना करा था किसके लिए बल्ब और ट्यूब के लिए तो ध्यान रखना सिलोगिज्म में क्या होता है कि जिसके लिए मना करेगा उसको कभी भी मत मिलाओ बाकी सब से आप क्या कर सकते हो मिला सकते हो ठीक है जिसका रिलेशन दिया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जिसका रिलेशन नहीं दिया है ना वो भी पॉसिबिलिटी में मिल सकता है तो सेकंड केस हमारा यही कहता है पॉसिबिलिटी वाला बल्ब और ट्यूब नहीं मिलने चाहिए तो मैंने एक काम करा ये जो मेरा ट्यूब वाला सर्कल था मैंने इतना मिला दिया भाई उसने ट्यूबलाइट और बल्ब के लिए मना करा था लेकिन ये थोड़ी ना बोला कि ट्यूबलाइट और कंप्यूटर नहीं मिल सकते या फिर ट्यूबलाइट और बल्ब नहीं मिल सकते है ना इस चीज के लिए मना थोड़ी ना करा था उसने तो सेकंड हमारा डायग्राम ऐसा ही बनता है पहला जैसा जैसा रिलेशन दिया है वैसा वैसा बनाओ सेकेंड क्या होता है कि जिसका रिलेशन नहीं दिया है वो भी आपस में मिल सकते हैं तो दो डायग्राम हमने बना लिए हैं मेरे ख्याल से दो आपके पास इनफ हो गए आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है सम बल्ब आर कंप्यूटर यानी आप जितने भी डायग्राम बनाओगे बल्ब और कंप्यूटर आपस में क्या होंगे टच होंगे लेकिन बल्ब और कंप्यूटर तो टच हो ही नहीं रहा है तो पहला वाला क्या हो गया आपके पास गलत हो गया सेकंड उसने बोला आप चाहे कितने भी डायग्राम बना लो चौक और ट्यूबलाइट कभी भी टच नहीं हो सकते अगर ये कंक्लूजन सही है तो दोनों डायग्राम में चीजें फॉलो होनी चाहिए दोनों डायग्राम में चौक और ट्यूबलाइट नहीं मिलनी चाहिए इसमें तो ठीक है कि ट्यूबलाइट और चौक नहीं मिल रहा है इसमें भी ठीक है आपके पास ट्यूबलाइट और चौक नहीं मिल रहा है क्योंकि एक बात थी ट्यूबलाइट और बल्ब आपस में नहीं मिल सकते ट्यूबलाइट और बल्ब आपस में नहीं मिल सकते तो बल्ब के अंदर का जो भी पोर्शन होगा वो भी कभी भी ट्यूबलाइट के अंदर या फिर ट्यूबलाइट से नहीं मिल सकता तो यही चीज तो उसने कही थी तो सेकेंड वाला हमारा क्या होगा सही होगा क्लियर है ओनली सेकेंड इसमें क्या करेगा फॉलो करेगा तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सिंपल ही रहता है आपके लेवल में जो आएगा क्वेश्चन वो सिंपल ही रहेगा बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ठीक है यहां पर हम कोई बैंक पीओ वगैरह का एग्जाम या एसबीआई पीओ वगैरह का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं जहां पर बहुत ही टफ लेवल का पूछेगा भाई टेक्निकल पेपर में आने वाली नॉन टेक और नॉर्मल पेपर में आने वाली नॉन टेक में जमीन आसमान का अंतर होता है ये चीज आप लोग समझ लीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला फिर से हमें क्या दे रखा है फिर से हमें दे रखा है कंक्लूजन सॉरी सिलोगिज्म वाला दे रखा है फिर से हमारे पास क्या आ चुका है नेगेटिव आ चुका है कंक्लूजन में भी हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है यहां पर आपको फिर से दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे बनाते हैं चलिए ऑल मार्कर आर पेन्स यानी पूरा मार्कर का जो सर्कल है वो किसके अंदर आएगा पेन के अंदर आएगा ठीक है नेक्स्ट नो पेन इज पेंसिल यानी पेन जो है वो पेंसिल से नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना ये आपके पास हम लिख देते हैं पेंसिल अगर पेन और पेंसिल नहीं मिल रहे हैं तो पेन के अंदर वाला जो मार्कर है वो भी कभी भी किससे नहीं मिलेगा पेंसिल से नहीं मिलेगा यहां पर हम यहां तक चीजें तो बना चुके हैं नेक्स्ट सम पेन्स आर शार्पनर्स यानी पेन जो है वो शार्पनर से क्या होगा टच होगा तो यहां पर हम एक काम करते हैं मिला देते हैं किसके साथ शार्पनर के साथ ठीक है क्योंकि हमें पहला डायग्राम बस उतना बनाना पड़ता है जितना उसने बोला है तो उसने हमें पेन और शार्पनर का रिलेशन दिया था तो हमने पेन और शार्पनर को मिलाया है और किसी को नहीं मिलाया है अब अगर हम बात करते हैं यहां पर सेकेंड डायग्राम की कि कैसे बना सकते हैं तो चीजें वही लेकर चलो कि मार्कर का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा पेन के अंदर आएगा पेन का सर्कल किससे टच नहीं होना चाहिए उसने बोला पेंसिल से टच नहीं होना चाहिए नेक्स्ट उसने रिलेशन दिया था कि शार्पनर और पेन टच होने चाहिए लेकिन शार्पनर का और किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो शार्पनर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता तो शार्पनर को यहां पर हमने नहीं मिलाया है लेकिन एक केस और बनता है ना शार्पनर और मार्कर का रिलेशन नहीं दिया था क्या पता ये मिलते होंगे शार्पनर और पेंसिल का रिलेशन नहीं दिया था तो क्या पता ये भी मिलते होंगे एक बार हमने सिर्फ उतना बनाया जितना उसने बोला है सेकंड हमें वो बनाना पड़ेगा जो हम आइडिया लगा सकते हैं तो अब जो शार्पनर है उसको हम क्या करेंगे इन सब से मिला देंगे ठीक है तो अभी भी हम स्टेटमेंट के अंदर ही देखो अभी भी मार्कर का सर्कल पेन के अंदर है अभी भी पेन का सर्कल पेंसिल से नहीं मिल रहा है और अभी भी पेन और शार्पनर आपस में क्या हो रहे हैं टच हो रहे हैं ठीक है तो दो डायग्राम इनफ है आंसर देने के लिए सबसे पहले आ जाओ सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि आपने जितने भी डायग्राम बनाए हैं पेन और मार्कर हमेशा टच होने चाहिए पेन और मार्कर हमेशा टच होने चाहिए पेन और मार्कर हमेशा टच होनी चाहिए भाई सी बात है अगर मार्कर का सर्कल पेन के अंदर आ रहा है तो टच भी तो होंगे है ना तो पहला वाला क्या कह रहा है वो सही कह रहा है सेकंड क्या कह रहा है नो मार्कर इज पेंसिल यानी आप कितने भी डायग्राम बना दो मार्कर कभी भी पेंसिल से नहीं टच हो सकता तो हमें पता है भाई पेन के अंदर किसका सर्कल आ रहा था मार्कर का और पेन किससे नहीं मिल रहा था पेंसिल से तो भाई अगर पेंसिल से बाहर वाला ही डायग्राम नहीं मिल रहा है मार्कर के तो भाई पेन के अंदर वाला भी कैसे मिलेगा तो दूसरा वाला क्या है आपके पास सही है ठीक है थर्ड पे आ जाओ नो मार्कर इज शॉपनर यानी उसने क्या बोला है अगर आप सेकंड डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो ये वाले कंक्लूजन आप सही कर दोगे है ना यही मैंने कहा है कि जो सही है वो हर डायग्राम में फॉलो करेगा उसने बोला नो मार्कर इज शॉपनर यानी आप कितने भी डायग्राम बना लो मार्कर और शार्पनर कभी भी आपस में टच नहीं होना चाहिए मार्कर और शार्पनर आपस में टच नहीं होना चाहिए यहां पे तो सही कह रहा है लेकिन अगर कंक्लूजन को सही होना है तो हर डायग्राम में फॉलो होना जरूरी है लेकिन यहां पर हमारा मार्कनर सॉरी मार्कर और शार्पनर टच हो गया तो इसका मतलब क्या कह रहा था वो गलत तो आंसर जो होगा हमारा ओनली फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड होगा क्लियर है बहुत बढ़िया उत्कर्ष बहुत बढ़िया अजय तो चीजें बस ऐसे ही देखनी है हम लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आएगा सिलोगिज्म का बस आपको देखना है कि हम सेकंड डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं मैक्सिमम या फिर 99 जब आपका स्टेटमेंट में नेगेटिव यूज होता है तो आपको 99 नाइन परसेंट चास्ट बनता है कि क्या करो आप सेकंड डायग्राम का भी यूज करो सेकंड डायग्राम का यूज नहीं करोगे तो इस टाइप के जो आपको दे रखे हैं ना कंक्लूजन वो हमेशा आप क्या करते जाओगे गलत करते जाओगे ठीक है और जरा सी गड़बड़ यानी पूरे साल की मेहनत खराब अगला क्वेश्चन आ जाओ अगला आपके पास वो क्या कह रहा है कि भाई एक पार्ट इसका मिसिंग है बताओ वो मिसिंग पार्ट क्या है ये वाला क्वेश्चन जो है वो मिसिंग पार्ट का भी है और आपके पास जो सीरीज चलती है ना डायग्राम की वो वाला भी है तो हमारे पास एक दो तीन चार चार इसके हिस्से थे हमें पता करना है कि यहां पर कौन सा गायब हुआ है तो इतना तो कंफर्म है कि एक लाइन आपका डायग्नली 100 परसेंट मिलेगी मिला दी हमने लेकिन अब सर्कल कहां पर लाएं ऊपर लाएं कि नीचे लाएं तो अब जरा सीरीज पे जाओ यहां से मैं चला क्लॉकवाइज तो ऊपर की साइड है सर्कल यहां पर भी ऊपर की साइड है यहां पर भी ऊपर की साइड है तो क्लॉकवाइज आपके पास चल रहा है ना तो यहां का जो सर्कल होगा वो कहां पर होगा यहां पर होगा ठीक है तो भाई है ऐसा कोई सा हमारा हाँ बिल्कुल है आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका बी वाला आंसर यानी सेकंड डायग्राम हमारा वो वाला पार्ट होगा जो इसमें से क्या हो चुका था मिसिंग हो चुका था क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस ऐसे ही करना है हमने फटाफट फटाफट अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आराम से कीजिएगा करते किस तरीके से है मैं आपको बता देता हूं कोड जनवरी फरवरी मार्च हो गया फिर उसके बाद आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ठीक है हर मंथ के क्या होते हैं अपने अपने अलग अलग कोड होते हैं ये आप लोगों को रटने हैं एक सौ चवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस और एक सौ छियालीस लेकिन जब आपका केस बनता है लीप ईयर का यानी जो आपके पास ईयर दे रखा है अगर वो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड तीन हो जाएगा और फरवरी का कोड बदलकर कितना हो जाएगा आपके पास सॉरी जनवरी का कोड आपका जीरो हो जाएगा और फरवरी का कोड बदलकर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है ये तो आपके पास कोड है फिर बनता है यहां पर सेंचुरी कोड सेंचुरी कोड आपके पास या तो 300 सौ रिमाइंडर बचेगा या तो आपके पास 200 या फिर 100 या फिर क्या बचेगा आपके पास जीरो तो जीरो दो चार छ इस तरीके से आपके पास क्या बनता है इसका कोड बनता है ठीक है तो बस इसी तरीके से आप लोगों ने करना है इसमें सेंचुरी का कोड चीजें मैंने करा रखी हैं तो आराम से आप याद करना फिर अगर हमें कोई सा डे निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है मंथ फिर आपने क्या लिखना है ईयर लिखना है उसके बाद आपने क्या करना है लीप ईयर लिखना है फिर उसके बाद आपने क्या करना है सेंचुरी का कोड लिखना है और क्या लिखनी है आपने डेट लिखनी ये क्या आया और क्या लिखनी है डेट डिवाइड किससे कर देना है आपने सात से ठीक है तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सत्रह जून नाइनटीन नाइनटी एट को सप्ताह का इन चारों में से कौन सा दिन था तो चीजें मैं आपको करवा चुका हूं इसलिए ये मैं आपको क्या दे रहा हूं होमवर्क मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ी सी क्या करो कोशिश करो ठीक है ईयर का कोड सेंचुरी कोड जो आपके पास मंथ है वो वाले कोड दे दिए यहां से कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद आपके पास जो रिमाइंडर आएगा माना रिमाइंडर आपके पास अच्छा डे के कोड तो मैंने लिखे ही नहीं है तो संडे से हमारा स्टार्ट होता है संडे फिर आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तो एक दो तीन चार पांच छह और क्या आ जाएगा आपके पास जीरो तो यहां से सोल्व सॉल्व करके जो भी आपका रिमाइंडर आएगा माना आपके पास चार आया तो चार का कोड क्या है Wednesday, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा माना पांच आया तो आंसर क्या जाएगा आपके पास थर्सडे हो जाएगा छह आया तो फ्राइडे और जीरो आया तो कितना बचेगा आपके पास सैटरडे होगा क्लियर है ना चलिए नेक्स्ट तो कर लोगे आप लोग ठीक है इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं ये क्वेश्चन आराम से करना ठीक है क्योंकि अगर यह क्वेश्चन आ गया तो इसमें रटने वाली चीजें बहुत है, है ना मंथ का कोड भी आप लोगों को याद रखना है ठीक है डे का कोड भी याद रखना है सेंचुरी का कोड भी याद करना जीरो दो चार और छ इस तरीके से ठीक है किस हिसाब से आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए दस बजे का समय हुआ तो घंटे और मिनट की सुई द्वारा बने कोण का माप क्या होगा तो हमें पता करना है दस बजे क्या होगा भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर्स इंटू थर्टी माइनस मिनट इंटू ग्यारह बटे कितना आपके पास दो तो टाइम हमारे पास हुआ है ठीक कितने बजे दस बजे अगर दस बजे हैं तो घंटे कितने हुए होंगे दस हुए होंगे इंटू कितना हो जाएगा तीस माइनस क्या ठीक दस बजे कोई मिनट होता है नहीं होता कोई भी मिनट तो कितना आएगा हमारे पास जीरो गुणा ग्यारह बटे दो तो यहां पर कितना बना आपका तीन सौ बना यहां पर तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया जीरो हो गया लेकिन हमें तो तीन दिख ही नहीं रहा है तो यह मत सोचना कि यहाँ पे जीरो मिसिंग है, हमारा जो एंगल होता है एक टाइम पर आपका दो बनाकर देता है एक नॉर्मल एंगल और एक उसका रिफ्लेक्स एंगल बनाकर देता है ठीक है तो अगर आपको दूसरा एंगल पता करना है तो टोटल एंगल कितने का होता है 360 उसमें से क्या माइनस करेंगे 30 तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री सर मंडे को एक होगा नहीं 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 मंडे को एक नहीं होता जो मैंने आपको कोड बताए हैं देखो दो अलग अलग टाइप के को कोड चलते हैं ठीक है जो मैंने आपको मंथ के कोड बताए हैं ना उसके हिसाब से वन हमारा संडे से स्टार्ट होता है ठीक है ध्यान रखना इसका और अगर आप दूसरे कोड की बात करोगे जीरो पैंतीस ऐसे कुछ करके था मेरे को एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं आ रहा है उसके लिए आपके पास क्या होगा वन मंडे से स्टार्ट होगा उसमें संडे का कोड क्या होगा जीरो होगा तो दो अलग अलग कोड चलते हैं ध्यान रखना ठीक है जो मैंने कोड बताया आपको मंथ के उसके हिसाब से आपका संडे वन से स्टार्ट होगा अगर आप दूसरे की बात कर रहे हो तो उसके लिए वन आपका मंडे से स्टार्ट होगा ठीक है अलग अलग चीजें हैं ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन अगला फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा दो कोड चलते हैं ध्यान रखना ठीक है हाँ जो आप जीरो तैतीस पैंतीस वाला कह रहे हो ना हाँ उसमें आपके पास मंडे क्या होता है वन होता है जीरो तैंतीस जीरो पैंतीस छह सौ छह सौ चौदह छह सौ पच्चीस ऐसी कुछ वो था ठीक है अब मेरे को भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है जीरो तैंतीस जीरो पैंतीस छह सौ चौदह छ सौ पच्चीस या छह सौ पैंतीस ऐसी कुछ वो था मेरे को भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या था उसका कोड लेकिन ऐसी कुछ था जीरो तैंतीस छह सौ चौदह छह सौ पच्चीस हाँ जीरो छह सौ चौदह छह सौ पच्चीस और जीरो पैंतीस ये था आपके पास कोड जीरो तैंतीस सौ चौदह 625 सौ पच्चीस और जीरो पैंतीस ये था वो कोड इसमें अगर आप ये वाले कोड यूज करते हो ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त वगैरह तो उसमें जो आपके पास मंडे है उसका कोड आप क्या लिखोगे वन लिखोगे क्लियर है ना कंफ्यूज है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूजन ही तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जितना कंफ्यूज रहो उतना बढ़िया है ताकि आप डाउट लाओ मेरे सामने और जब हम कंफ्यूजन में कोई डाउट पूछते हैं और उसी टाइम उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर वो कंफ्यूजन कभी भी जिंदगी में नहीं बनता है ठीक है चलिए 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 उसने बोला स्टार के अपोजिट बता दो क्या होगा हमने कहा चलो ठीक है भाई ऐसे क्वेश्चन तो हम कब खा के खाके थूक भी चुके हैं स्टार के अपोजिट कौन सा होगा तो <coughs> स्टार के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो देख लो यहां पर स्टार के साथ आपको एट द रेट दिख रहा है स्टार के साथ एट द रेट दिख रहा नहीं हो सकता स्टार के साथ आपके पास प्लस दिख रहा नहीं हो सकता स्टार के साथ यहाँ पे डॉलर दिख रहा है नहीं हो सकता बचा क्या आपके पास सिर्फ आठ तो स्टार का अपोजिट क्या होगा आठ होगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अब देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा तब मंडे का कोड ये होगा हाँ अगर आप कोड चेंज करोगे तो फिर जो आपके पास डे होते ना उसका कोड भी हल्का सा क्या हो जाएगा चेंज जीरो तैतीस छह सौ चौदह छह सौ पच्चीस जीरो पैतीस हाँ यही वाला था कोई दिक्कत नहीं आप पूछो मैं तो चाहता हूँ आप लोग अपने डाउट कन्फ्यूजन जो भी होता है वो पूछो तो जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है और हाँ देखो ऐसा है कि यहां कंफ्यूजन अगर है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन करने वाला है पेपर में अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए तो वहां पर कोई नहीं होगा आपका जो साथ दे दे तो इसलिए जो भी आपके डाउट होते हैं जो भी कंफ्यूजन होता है वो तो पूछ लिया कीजिए बिना किसी रोक टोक के बेझिझक होके क्योंकि पढ़ाई में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए ठीक है जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो और ऑनलाइन में तो और बढ़िया है उसमें तो चेहरा भी नहीं दिखता है ना वैसे तो बच्चों को जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बहुत से बच्चे डर के मारे नहीं पूछते थे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी है ना इसलिए उठकर कभी भी नहीं पूछते थे कि सर मेरे को यह डाउट है ऑनलाइन में तो बहुत बढ़िया तरीका है पूछ लो जो भी डाउट है हाँ लेकिन जो चल रही है चीजें उससे रिलेट करके ऐसे नहीं कि कुछ और ही आप चल रहे होगी सर यूएसए में क्या हो रहा है ऐसा वैसा वो नहीं जो चीजें चल रही है उससे रिलेट करके चलिए देखते हैं बनाते भाई बड़ा सा क्वेश्चन हमें लग रहा है कुलदीप अपने घर से पश्चिम की ओर चला दिया तीस मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ता है तो किधर चलेगा ऊपर की साइड चलेगा ये कितना चला था तीस मीटर चला था राइट मुड़ा फिर बीस मीटर चलता है तो आपके पास इधर चला ठीक है फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और दस मीटर चलता है लेफ्ट मुड़ा और कितना चला दस मीटर चला दस मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और चालीस मीटर चलता है लेफ्ट चलेगा तो इधर की साइड ऊपर बीच था तो इसका मतलब इसकी जो ये वर्चुअल लाइन है यहां से भी ये कितने मीटर नीचे आ चुका होगा बीस मीटर फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है पांच मीटर चलता है यहां पर आपके पास अंत में वह अपने किधर मुड़ता है लेफ्ट की साइड मुड़ता है तो किधर की साइड चलेगा आपके पास नॉर्थ की साइड क्लियर है क्लियर है हाँ जैसे अजय ने करा है ना राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला आपको वैसा ही करना है और हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं ठीक है ये तो हम सबसे पहले जैसा डायग्राम होता है इधर चला मैं उधर चला ऋतिक रोशन था ना तो वहां पर आपको ऋतिक रोशन नहीं बनना है ठीक है यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है कॉमन सेंस लगानी है कभी भी आप एक चीज का ध्यान रखना क्योंकि देखो ऐसा है ना अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ेंगी अब सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा चीजें आपको कुछ रटनी भी पड़ेंगी और देखो समझना तो है ही कोशिश यही करने है हर एक चीज को हम समझे भाई समझेंगे तभी तो वो चीज हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रटना भी पड़ता है हमें कुछ चीजें है ना जैसे आपके पास इससे पहले कैलेंडर वाला था कोड रटने हैं क्या कर सकते हैं उसमें उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते एक इस तरीके से रट दो आप यहां पर ध्यान रखना अगर कभी भी वो पूछे कि कौन सी डायरेक्शन में वो चल रहा है या फिर पूछे कि लास्ट में उसका फेस किधर की साइड था तो आपको कभी भी चलाना नहीं है कभी भी आपको चलाना नहीं है और देखो जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और करना स्टार्ट कर दिया और यही गलती हम करते हैं क्या गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन के लास्ट में नहीं देखते उसने पूछा क्या है हम पेपर में देखते हैं अपने लेफ्ट की पश्चिम की साइड चला इधर चला उधर चला चलाना स्टार्ट कर लास्ट में पता चला अरे यार क्वेश्चन तो इतना सिंपल था तो इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ा कीजिए जितना सही तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना अच्छे से समझोगे और नाइनटी परसेंट तो क्वेश्चन ही सॉल्व करके बता देता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है तो यहां पर हमसे पूछा था फेस अब फेस भी आप दो तरीके से बता सकते हो यानी कौन सी डायरेक्शन के साइड जा रहा है यह भी आप दो तरीके से बता सकते हो एक तो आप सिर्फ क्या करो प्रॉपर डायरेक्शन लिखो और डायरेक्शन के हिसाब से ही क्या करो चलाना स्टार्ट करो सबसे पहले उसने क्या बोला अच्छा लास्ट में क्या पूछा है कौन सी डायरेक्शन के साइड जा रहा है ना तो जिधर की साइड फेस होगा उधर की डायरेक्शन में जाएगा पश्चिम की ओर जा रहा है तो फेस किधर होगा पश्चिम की साइड ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति अगर लेफ्ट राइट मुड़ता है तो हमेशा वो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ता है ये चीजें ध्यान रखना ठीक है पश्चिम की ओर चल रहा है 30 मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ा राइट मुड़ेगा तो फेस किधर की साइड हो जाएगा उसका नॉर्थ की साइड हो जाएगा फिर बीस मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा फिर से फेस किधर की साइड हो जाएगा उसका वेस्ट की साइड हो जाएगा दस मीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ा लेफ्ट मुड़ा तो फिर से उसका फेस किधर की साइड हो जाएगा इधर की साइड मुड़ा अच्छा ये था कुछ हमारा छूटा तो नहीं <coughs> सबसे पहले वो क्या कर रहा है पश्चिम की ओर चल रहा है फिर 30 मीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ता है राइट मुड़ता है ठीक है ये वेस्ट था राइट मुड़ेगा तो किधर की साइड फेस हो जाएगा नॉर्थ की साइड फिर क्या अब किधर मुड़ता है वो लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है लेफ्ट मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा फिर 10 मीटर दूरी तय करके लेफ्ट की ओर मुड़ता है फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर की साइड हो जाएगा आपके पास फिर से 40 मीटर चलता है लेफ्ट मुड़ता है इधर की साइड हो जाएगा फिर से लेफ्ट मुड़ेगा तो फिर से उसका फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा नॉर्थ में तो आप एक इस तरीके से कर सकते हो कि डायरेक्शन बनाओ और फिर क्या कर दो वहां पर उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलाते रहो अब पहला केस हमारा क्या था डायग्राम वाला सेकंड हमारा क्या था डायरेक्शन बना के थर्ड केस में आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका फेस इधर की साइड है एक बार अगर मैंने इसको राइट right मुड़ाया तो फेस नॉर्थ की साइड हो गया एक बार लेफ्ट मुड़ाया तो फेस दोबारा साइड की साइड हो गया वेस्ट की साइड यानी एक बार राइट right मुड़ना और एक बार लेफ्ट मुड़ना इसका मतलब क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो ये चीजें हमें लगानी है तो सबसे पहले देखते हैं किधर किधर की साइड आपके पास वो मुड़ रहा है पश्चिम की साइड सबसे पहले उसका फेस था एक आपको राइट यहां पे मिला ठीक है एक आपको लेफ्ट यहां पर मिला एक आपको लेफ्ट यहां पर मिला एक आपको लेफ्ट यहां पर मिला और एक लेफ्ट आपको यहां पर मिला टोटल आपके पास क्या हो गया वो खत्म हो गया अब यहां पर हमें पता है एक राइट क्या कर देता है एक लेफ्ट को हटा देता है सबसे पहले उसका फेस जो था किधर की साइड था वेस्ट की साइड था हमारे पास कितने लेफ्ट बचे हैं तीन तो तीन बार उसको लेफ्ट मुड़ा दो तो पहली बार लेफ्ट मुड़ेगा दूसरी बार लेफ्ट मुड़ेगा तीसरी बार लेफ्ट मुड़ेगा तो उसका फेस किधर की साइड हो जाएगा नॉर्थ की साइड हो जाएगा ठीक है तो चीजें देखो आप लोगों को अपनानी है कि किस तरीके से हम फटाफट से आंसर दे सकते हैं क्या हमें एक्चुअल में वहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत है या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है और एक चीज और ध्यान रखो मैंने इसको तीन बार लेफ्ट मुड़ाया तो किधर की साइड आया नॉर्थ की साइड अगर मैं एक बार राइट मुड़ा दू तभी भी तो फेस उसका नॉर्थ की साइड ही आएगा तो हम ये कह सकते हैं एक बार राइट मुड़ना एक बार लेफ्ट मुड़ना मतलब जीरो तीन बार लेफ्ट मुड़ाओ या फिर एक बार राइट मुड़ा दो बात वही है अगर आप तीन बार राइट चल रहे हो तो सिर्फ एक बार लेफ्ट मुड़ा दो तभी भी वही डायरेक्शन आपको मिलेगी तो ये तीन टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो तो कभी भी अगर फेस पूछे हमेशा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग क्या देखो राइट और लेफ्ट देखो क्योंकि जब भी आपका फेस पूछा जाता है वहां पे डिस्टेंस मैटर नहीं करती डिस्टेंस दे रखी होगी तभी भी आपके पास आंसर वही आएगा डिस्टेंस नहीं दे रखी होगी तभी भी आंसर वही आएगा क्लियर है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहां पर हमने क्या करने हैं दो साइन चेंज करने और साइन चेंज करने के बाद हमें क्या करना है इक्वल टू का कहीं पर दे रखा है चेंज करने के लिए नहीं तो इसका मतलब सॉल्व करके हमें क्या लाना है चार लाना है ठीक है इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा भाई यहां पर कितना मिलेगा सोलह मिलेगा कैलकुलेट <coughs> करके तो नहीं बन रहा है तो हमें यहां पर साइन देखने पड़ेंगे क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं अच्छा एक काम करो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो मेरे को फिलहाल के लिए ठीक ठाक दिख रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई फिलहाल के लिए मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले इन दो को क्या करूं चेंज करूं ठीक है अगर मैं सबसे पहले यहां पर देखूं ऑप्शन सी को चलो पहले फर्स्ट और सेकंड को छोड़ते हैं ऑप्शन सी देखते हैं उसने बोला माइनस और डिवाइड चेंज कर दो तो अगर मैं यहां पर डिवाइड ला जाऊंगा यहाँ पे माइनस तो भाई ये इसको काटेगा ही नहीं और अगर काटेगा नहीं तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा तो ये तो नहीं हो सकता प्लस और डिवाइड को चेंज कर दो हां ऐसा हो सकता है अगर मैं यहां पे डिवाइड ला जाऊं यहां पे प्लस ला जाऊं तो मेरे को कटने वाला मिल सकता है अब मैं यहां पर देखूंगा लेकिन एक चीज ये बन जाएगा सोलह ये बन जाएगा आपके पास दो ठीक है यहां पर आपके पास बारह है प्लस का कितना है सोलह है तो भाई चार तो नहीं आ पाएगा तो लास्ट के दो तो हमें आंसर आंसर नहीं दे पाए फर्स्ट में चले माइनस और मल्टीप्लाई अगर हम चेंज करते हैं तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई ला जाऊंगा तो बारह कितना हो जाएगा छियानवे आंसर नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट आ जाओ बचा ऑप्शन बी मल्टीप्लाई और प्लस चेंज करो यानी यहां पर आप मल्टीप्लाई ला जाओ यहां पर क्या ला जाओ प्लस ला जाओ करके देखते हैं चलो बारह माइनस आठ गुणा चार बटे दो और प्लस कितना आठ काटेंगे इसको दो बार काटेगा बारह माइनस कितना सोलह प्लस कितना आठ बारह और आठ कितना हो जाएगा बीस बीस में से सोलह माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास चार क्लियर है तो अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आपके पास इन इन चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं क्या हमें उसी टाइम वो सॉल्व करने हैं या फिर बाद के लिए रखने हैं अब चीजें आप लोग काफी अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और यही चीजें हमें पेपर में क्या करती है आगे बढ़ाती हैं कभी बार देखो इतना तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कर ही देना है मेरे को नंबर मिलेगा ही मिलेगा लेकिन क्या मैं यहां पर पांच मिनट लगा के आंसर ला रहा हूं क्या यह फायदे की डील है क्या बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन को स्किप करो मिनट आगे लगाओ तो आराम से आपको दो से लेकर क्या कर देंगे तीन नंबर दे देंगे आराम से तो जहां पर पांच मिनट में एक नंबर मिल रहा था वहां पर उस पांच मिनट को मैंने आगे ले गया और दो से लेकर तीन नंबर वहां पर मैंने कमा लिए तो फायदा किस में है स्किप करने में बहुत सारी चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ती हैं ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चनों को देख सके और उनको सॉल्व कर सके ठीक है बाद में टाइम मिलेगा तो इन क्वेश्चनों को तो हम कर ही देंगे चलिए अब अगर मैं बात करता हूं कोर्स की अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है बहुत जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो आपके पास जीएस हो ठीक है और साथ ही साथ क्या है आपका नॉन टेक के साथ टेक इन दोनों को अगर आपको कम टाइम पे कवर करना है तो आपके लिए कोर्स बनाया गया है जहां पर आपका नॉन टेक की रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी डाल दी गई हैं और वहां पर आपके पास क्या है मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी जो चैप्टर आपको अपना वीक लगता है वो चैप्टर आप वहां पर पढ़कर क्या कर सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो फिलहाल ये आपके पास 40 परसेंट ऑफ का बिक रहा है और मात्र कितने का मिलेगा 1500 का इसको लेने के लिए आपको मेक इन इजी लाइव क्लासेस जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जैसे आप डाउनलोड करोगे ऐप को ओपन करोगे उसमें लॉग या रजिस्टर अगर आप करते हो तो आपको एक कोड ये कोर्स ब्लिंक हो जाएगा और ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो नॉन के साथ साथ क्या है आपका टैक भी है ठीक है सारी के सारी क्या रहेगी आपके रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी वैलिडिटी कितनी रहेगी आपकी छह मंथ रहेगी तो अगर आपको कोर्स लेना है तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में बिल्कुल 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 देखो मेहनत आपको करनी है गधे की तरह ठीक है और जब पेपर आता है एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर मेहनत करनी है आपने किसकी तरह घोड़े की तरह है ना मेहनत कौन करता है घोड़े और गधे में सबसे ज्यादा कौन करता है गधा करता है लेकिन फिर भी स्मार्ट किसे माना जाता है घोड़े को माना जाता है ना तो यही अंतर होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में पूरे साल आप लोगों को गधे की तरह लगे रहना है हर चीज पढ़ने में हर चीज कवर करने में हर चीज प्रैक्टिस करने में लास्ट टाइम पे आपको अप्रोच अपनानी है किसकी घोड़े की है ना जॉकी आप लोगों ने देखे होंगे घोड़े की जो रेस होती है लास्ट में आपको वैसे बनना है पूरे साल मेहनत करनी है गधों की तरह लगकर लास्ट में आपने रेस भागनी है किसकी तरह घोड़े की तरह ठीक है दोनों को मिलाकर चलोगे तो आराम से क्लियर कर दोगे मजनू भाई की जो पेंटिंग थी ना घोड़े के ऊपर गधा वो आपको लेकर चलना है पहले गधा बाद में क्या बनना है आपको घोड़ा बनना है ठीक है चलिए 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 अब ये मत बोलना कि सर आप हम लोगों को गधा बोल रहे हो मैं उस वे में आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ मैं मेहनत के उसमें कर रहा हूँ कितनी मेहनत करता है वो घोड़े से ज्यादा करता है लेकिन फिर भी नाम किसका है घोड़े का है तो यही डिफरेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में चलिए 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 क्या है क्वेश्चन में इतू सा तो क्वेश्चन है है ना सही से पूछना भी इसको आता है नहीं आकृति में त्रिभुज जो है वो लड़कियों को ठीक है सब कुछ लिखा हुआ तो है हमें लड़कियों को बताना है अरे ये क्यों नहीं? अच्छा, हो गया है। हमें क्या करना है तो भाई इस पी को भी फेंको बाहर उसने कोच के लिए मना करा तो कोच के अंदर वाले को फेंको बाहर तो भाई बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या क्यू तो आंसर हमारा क्या जाएगा क्यू आंसर हो जाएगा क्लियर है हाँ बिल्कुल मजनू भाई जैसे मजनू भाई थे ना अच्छा अच्छा चलो खैर वो तो बात की बात है मेहनत आपको अच्छे तरीके से करनी है ठीक है हमें क्या पता करना है इसमें डिक्शनरी वाला है और हमें बताना है तीसरा कौन सा आएगा ठीक है ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार ऑप्शन दे रखे हैं तो पांचवे को हटा दो ना फिर ये किसी काम का ही नहीं है फिर इन चारों में से हमें पता करना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा तो चलो पता करते हैं सारे के सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं एच ई -e से स्टार्ट हो रहे हैं उसने हमें पूछा है तीसरा कौन सा आएगा मुझे पता है कि ये आपके पास पहला आ जाएगा ये दूसरा आ जाएगा इन दोनों में से ही कोई क्या होगा तीसरा होगा अब वो तीसरा क्या होगा जरा ध्यान से देखो आर के बाद ये आई आ रहा है <coughs> आर के बाद क्या आ रहा है ओ तो तीसरे पे आएगा पहले वाला यानी कौन सा आपके पास हेरिटेज आ जाएगा बहुत बढ़िया उत्कर्ष चलिए चलिए क्लियर है ना बाकी सबका भी आंसर आना चाहिए भाई इन क्वेश्चनों को मैंने कहा है यह क्वेश्चन आपका हंड्रेड परसेंट नंबर देगा एक, लेकिन वो आप कितने कमा रहे हो मैटर वो चीज करती है क्या आप इस क्वेश्चन में चालीस पचास सेकंड लगा रहे हो तो बेकार है वो एक नंबर ये क्वेश्चन लगभग आपका पंद्रह सेकेंड में हो जाना चाहिए चीजों को आप लोगों को देखना है ठीक है अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ए बी और सी के बीच एक राशि बांटी जाती है ए को कुल राशि का तीन बटे सोलवा बी को कुल राशि का एक बटे चारवा भाग मिलता है यदि सी को एटी वन रुपए मिले तो बी को प्राप्त राशि कितने देखो सारी की सारी बात वहीं पर आकर आ गई है कि कुछ भी चीज बांटनी होगी ना तो रेशो पता होना चाहिए हम्म रेशो पता होना चाहिए ना ठीक है पता करते हैं कोशिश करते हैं किस किस को कितना कितना हिस्सा मिल रहा है जिस जिसको जितना जितना हिस्सा मिलेगा उसी के हिसाब से आपके पास क्या निकलेगा ए का हिस्सा बी का हिस्सा और सी का हिस्सा क्वेश्चन में उसने बोला है कि मेरे को बी को बताओ कि बी को कितनी राशि मिली इन चारों में से कोई भी राशि बी को मिल सकती है अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा ए को कुल राशि का क्या आपको पता है कुल राशि कितनी हमें पत, हमें लगा नहीं पता है बी को पता है कुल कितनी राशि मिली है हमने कहा यह भी नहीं पता है सी को पता है इक्यासी रुपए मिले लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना सी को रुपए में तो कंडीशन बता दी है लेकिन उसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं अगर मेरे को यह पता चलता कि सी को आधा हिस्सा मिला है जो कितने रुपए के बराबर है इक्यासी तो पूरा हिस्सा कितना होता एक सौ बासठ रुपए के बराबर होता लेकिन ऐसा तो है ही नहीं तो अब हमें कुछ चीज देखनी है भाई जो राशि है वो इन तीनों में बांटी गई ना अगर किसी तरीके से अपने हिसाब से मैं कोई राशि मान लू उसमें से एक का हिस्सा निकाल दूंगा मैं क्योंकि उसने बोला है तीन बटे सोलह बी का हिस्सा भी निकाल दूंगा क्या दिया है एक बटे चार तो बचा हुआ किसका हिस्सा किसका होगा सी का होगा ना अब देखो कभी भी अगर आपके पास कुछ कंपेरिजन किया जाता है कंपेरिजन ही तो हो रहा है ये ए को कुल राशि का तीन बटे सोलवा कंपेरिजन बी को कुल राशि का एक बटे चार वे भी कंपेरिजन है ना कंपेरिजन अगर जब होता है तो वहां पर अगर फ्रैक्शन यूज होते हैं ना तो फ्रैक्शन में अपॉन वाली वैल्यू को हम हमेशा हंड्रेड मानते हैं यानी ओरिजिनल मानते हैं अगर एक का हिस्सा खुद सोचो ए का हिस्सा अच्छा पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं टोटल राशि अगर मैं बात करूं कितने रुपए है दस रुपए है दो जनों में अगर मैं बांटू दो अनुपात तीन दो अनुपात तीन के अनुपात में ए का हिस्सा कैसे निकलेगा टोटल राशि का दो बटे कितना पांच बी का हिस्सा कितना निकलेगा टोटल राशि का तीन बटे कितना पांच एक चीज देखो अब कि जो भी आपके पास अपॉन में होता है वो ओरिजिनल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू को जरूर काटता है है ना काटता है ना बिल्कुल पूरा का पूरा काटता है तो अब जरा यही वाला लॉजिक हम लगाते हैं ए का हिस्सा है तीन बटे सोलवा तो इसका मतलब जो टोटल राशि है वो सोलह से कटने वाली होगी ठीक है बी का हिस्सा कितना है एक बटे चार तो जो बी के लिए हिस्सा आएगा टोटल राशि से क्योंकि कंपैरिजन एक ही तरीके से चल रहा है तो जो राशि है वो किससे कटने वाली होगी चार से कटने वाली होगी अब हमारे पास जो राशि है वो सोलह से भी कटती है चार से भी कटती है तो अब हम चलाएंगे यहां पर अपनी मर्जी हम कुछ एक ऐसी वैल्यू मैंने मान लिया कि हमारे हिसाब से जो राशि है वो कितने रेशों की है सोलह रेशों की है अब इसमें से एक का भाग निकालो सोलह में से A को कितना मिला तीन बटे सोलह यानी कितना भाग मिलेगा एक को तीन भाग मिलेगा बी का जो हिस्सा है टोटल जो हमने सोलह माना है उसका कितना है एक बटे चार तो बी को कितनी राशि मिलेगी आपके पास चार मिलेगी अब एक चीज हमें पता है कि जो भी राशि है वो तीन जनों में बांटी गई और टोटल राशि हमारे हिसाब से सोलह है ना तो हमने मान लिया तीनों को मिलाकर कितने हिस्से मिले सोलह हिस्सा मिले जिसमें से ए का हिस्सा तीन है बी का हिस्सा चार है सी का हिस्सा मेरे को नहीं पता लेकिन टोटल कितना आएगा आपके पास सोलह तो अगर मैं सेवन के साथ सी का हिस्सा जोड़ूंगा तो सोलह आएगा तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमने एक ऐसी राशि ली जिससे एक का हिस्सा भी निकले बी का हिस्सा भी निकले मैंने मान लिया सोलह सोलह के रेशो में मैंने टोटल राशि मानी है ए का हिस्सा तीन रेशो है बी का हिस्सा कितना है चार रेशो है सी का हिस्सा कितना है आपके पास नौ नौ है ठीक है अब देखो यहां पर हमारे हिसाब से सी के पास कितनी राशि जाएगी नौ क्वेश्चन के हिसाब से कितनी जाएगी आपके पास इक्यासी तो हम कह सकते हैं कि सी के जो नौ हिस्से हैं वो इक्यासी रुपए के बराबर हैं तो एक हिस्सा कितने रुपए के बराबर है नौ रुपए के अगर एक हिस्सा नौ के बराबर है तो उसने पूछा बी को कितनी राशि मिलेगी तो भाई बी को कितनी राशि मिल रही है चार रेशो तो बी का हिस्सा कितना होगा आपके पास नौ गुणा चार छत्तीस होना चाहिए 96 कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या? या ऑप्शन 36, 36, 36 हाँ, तो तो सोलह एक बटे चार कितना हो गया तीन और चार सात हो जाएगा बचेगा नौ नौ बराबर कितना आपके पास इक्यासी एक बराबर नौ हो जाएगा टोटल हमने सौ सो, सोलह माना था एक सौ चवालीस उसमें से आपके पास चार चारिया बारह चार हाँ, आएगा तो आपके 36 तो आपके पास है पर ये हो सकता है. गलती से 96 सिक्स लिख दिया गया है किसके बदले छत्तीस के बदले, बदले. क्लियर है क्वेश्चन समझे अब देखो आपको लगा होगा अरे सर इतना ज्यादा टाइम लगेगा इसको करने में अरे कुछ टाइम नहीं लगेगा ये आधे से ज्यादा चीजें तो आपको माइंड में करनी है ये चीज लिखने की जरूरत है क्या एल्शियम वगैरह ये ये आपको पता है जो राशि है वो सोलह और चार से कटती है तो हमारी राशि कितनी हो गई सोलह सोलह में से इसका हिस्सा कितना है तीन बटे सोलवा यानी कितना होगा तीन इसका कितना है एक बटे चार यानी कितना होगा चार बाकी का हिस्सा नौ किसका हो जाएगा सी का हिस्सा हो जाएगा सी को कितना मिल रहा है इक्यासी तो एक बराबर नौ तो नौ चौक कितना हो जाएगा छत्तीस इतना क्वेश्चन है पेन भी नहीं उठाना था इसमें सिर्फ क्या करना था सॉल्व करना था हाँ ऑप्शन गलत है हम्म हम्म चलिए बढ़िया बढ़िया कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन के तो हमने आज तक दिक्कत ली नहीं है हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है क्योंकि हो जाती है कभी कभार गलतियां है ना हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चीजें हमें समझनी है तो देखो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे इस क्वेश्चन से आप लोग क्या समझे एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जरा फटाफट से कि ये जो क्वेश्चन था ना इससे आप एक्चुअल में समझे क्या आंसर आ गया बढ़िया लेकिन देखो मैंने पहले कहा है कि मेरी क्लास अगर आप कभी भी लेते हो लाइव में अगर आप आते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व मत करो बस उसको समझो कि भाई क्वेश्चन में एक्चुअल में हमने करा क्या है वरना बहुत बार हम चीजें कर तो लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते उसको फ्लो फ्लो में चीजें निकल जाती है बहुत बार ऐसी होता है ठीक है अब फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओ जरा आप लोग जितने भी आप लोग लाइव देख रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन से समझे क्या क्या आपको कुछ यहां से समझ आया एक चीज वैसे तो बहुत सारी चीजें थी मैंने आपको बता भी दी थी फटाफट से बताओ जरा क्या समझे दो लाइन का क्वेश्चन है अरे दो लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है <laughs> यह सिर्फ लिखने में दो लाइन का है सॉल्व तो अगर आप चीजें समझोगे ना माइंड में होती हैं चीजें रेशो तो आपका नाइन्टी परसेंट माइंड में ही सॉल्व हो जाता है ठीक है तो भाई इस क्वेश्चन से आप बस ये चीज समझे कि जहां पर भी कंपेरिजन देखो सबसे पहली बात बंटवारा तो आपके माइंड में सिद्धा आना चाहिए बिना रेशो के नहीं हो सकता रेशो में कन्वर्ट करना है रेशो में कन्वर्ट कर दो ए बी सी तीन चार नौ कर दो रेशो में कन्वर्ट ठीक है दूसरी चीज कि जहां पर भी बात आती है ना कंपैरिजन की और आपके पास आता है फ्रैक्शन तो अपॉन वाली वैल्यू जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है किसको टोटल को ये चीज ध्यान रखना ठीक है अगर यहीं पर वो बोलता कि ए को कुल राशि का तीन बटे सोलह मिला तो बताओ बी का भाग कितना है यानी सोलह में से ए को कितने भाग मिले तीन भाग मिले तो बाकी के बचे हुए तेरह भाग सोलह में से किसको मिल जाते बी को और यही चीजें छोटी छोटी जो चीजें है ना यही बाद में क्या करती हैं दिक्कतें पैदा करती हैं अगर आप समझे नहीं तो इसको वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर आपने करा कैसे इसको हमें तो एक्स मान के बताओ हर चीज में आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का देरखा है मैंने कहा था पार्टनरशिप आपके और हमारी चलनी चाहिए अच्छे से यहां पर भी अच्छे से चल रही है, तो मिलेगा? मिलेगा। है? चलिए सी का हिस्सा निकाल लेंगे इसके बाद की वैल्यू दी गई है एक यूनिट की वैल्यू निकाल करके भी हम भाग से मल्टीप्लाई कर दे हाँ बिल्कुल चीजें देखो यही तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ क्वेश्चन करो मत ना अगर सिर्फ क्वेश्चन कराने होंगे ना तो मैं तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा दूं लेकिन मेरा मेन मकसद क्या रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट उसके पीछे का बताऊं छोटी छोटी चीजें मैं आपको उनके पीछे की बताऊं ताकि आप सिर्फ एक दो टाइप के क्वेश्चन तक ही सीमित ना रहो आप अनलिमिटेड हो जाओ अनलिमिटेड का मतलब असीमित हो जाओ कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत सारी जगह वो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा ठीक है चलिए मैंने कहा था प्रॉफिट पार्टनरशिप की बात आई प्रॉफिट बराबर क्या होता है मनी इन टाइम प्रॉफिट उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से मनी और क्या होगा टाइम का मल्टीप्लीकेशन आएगा ठीक है और एक और चीज चलो पहले फिलहाल में कितने जने हैं ये दो ही जने हैं ना ठीक है ए की मनी कितने रुपए लगाए पैंतीस सौ रुपए लगाए बी क्या करता है पांच महीने के बाद साझेदार बनता है और एक वर्ष के बाद इतना बी का हिस्सा नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स यहां पर तो हमें मानना पड़ेगा मान लेते हैं क्या कि बी ने लगाए एक्स रुपए अब देखो प्रॉफिट का रेशो कल हमने क्या करा था प्रॉफिट का रेशो निकाला था ठीक है यहां पर प्रॉफिट का रेशो दे रखा है कल हमें बी का हिस्सा पता था यहां पर हमने बी का हिस्सा निकालना है क्या क्वेश्चन में चेंज आया बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया पहले उसने D पूछा था अब उसने बी सी डी ए इस तरीके से पूछ लिया लेकिन है तो चार ही ना D पहले भी था ए बी सी डी अभी भी है बस आगे पीछे पूछ लिया है तो यही अप्रोच हमें रखनी है अच्छा मैंने क्या कहा था उसको तो हर एक चीज पता थी उसको ए का हिस्सा भी पता था बी का हिस्सा भी पता था तो उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया रेशो दे दिया लेकिन हम अपने हिसाब से क्या करेंगे रेशो निकालेंगे ए तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है और ध्यान रखना कि जो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है वो एक साल के बाद हो रहा है इसका मतलब प्रॉफिट कितने समय तक चला जो आपका व्यवसाय है वो कितने समय तक चला है बारह महीने तक चला है ए तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक था तो ए कितना आ जाएगा आपके पास टाइम बारह महीने लेकर लेकिन बी क्या करता है पांच महीने के बाद आता है अगर बी पांच महीने के बाद आएगा तो मैंने क्या कहा है प्रॉफिट उतना मिलेगा जितने समय के लिए पैसा लगाएगा एक्स रुपए उसने लगाए कितने समय के लिए बारह महीने का व्यापार चल रहा था पांच महीने के लिए वो अगर छोड़ देता है तो कितने महीने के लिए आएगा वो सात महीने के लिए है ना बारह में से पांच महीने के बाद अगर कोई आएगा तो भाई उसके लिए तो सात महीने बचेंगे अच्छा कैलकुलेट करो काटो तो ये हो गया 500 सौ गुणा बारह रेशो कितना x इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट का रेशो यही है लेकिन उसको सारी वैल्यू पता थी उसने बोला प्रॉफिट होना चाहिए कितना आपके पास दो रेशो तीन तो भाई क्या हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ करी है नहीं हमने तो प्रॉपर उसी तरीके से करा है जैसे क्वेश्चन किया जाता है तो हम तो यहीं तक ही क्या थे सीमित थे क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू पता नहीं है उसको x की वैल्यू पता थी तो वो अनलिमिटेड हो गया और उसने यहां तक क्या कर दिया सॉल्व कर दिया तो हमें पता है ये दोनों के दोनों जो प्रॉफिट हैं वो ए और बी में ही बांटे जाएंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे तो प्रॉफिट पहले वाला प्रॉफिट दूसरे वाला आपस में बराबर होगा रेशो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन होता है तो यहां पर मैं लिखूंगा पांच सौ गुणा बारह डिवाइडेड बाई एक्स बराबर एक्चुअल रेशो क्या होना चाहिए काटने पीटने के बाद दो अनुपात तीन बस अब आप इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो तो करते हैं सॉल्व कितनी बार काटेगा छह बार काटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स बराबर छह पंजे कितना तीस यानी तीन हजार तीन हजार गुना तीन यानी जो आपके पास बी था उसने कितने रुपए लगाए होंगे नौ हजार रुपए लगाए होंगे नौ हजार रुपए लगाए होंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यूएस या अस यूट्यूबर बहुत बढ़िया नौ हजार सिर्फ समझाने की देर है बाकी कुछ भी नहीं है फटाफट फटाफट आप लोगों ने सॉल्व करना है दो अनुपात तीन में बना दू इसको कितना था आपके पास पांच सौ गुणा बारह और ये कितना था आपके पास नौ हजार एक्स बराबर नौ हजार आ गया ना दो जीरो से दो जीरो काटो पांच से काटो इसको अट्ठारह बार छह दुनी बारह छैती अठारह आ गया आपके पास दो अनुपात तीन क्लियर है ना चलिए बहुत बढ़िया उत्कर्ष बहुत बढ़िया लेकिन जब पार्टनरशिप में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि कोई बीच में से शामिल होता है तब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन इतना लेंथी नहीं चीजें तब आप क्या करा करो पहले से ही काटना शुरू करा करो यानी अपने माइंड में पहले से ही कैलकुलेशन किया कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला एक छेद जो है वो भरी टंकी को आठ घंटे में खाली कर देता है हमने कहा चलो ठीक है आठ घंटे में क्या कर देता है खाली क्योंकि ये क्या कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है भरी टंकी में छह लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर बारह घंटे में टंकी खाली हो जाती है अगर पानी भरने वाले नल को खोलने पर भी टंकी खाली हो रही है तो इसका मतलब एक टंकी खाली करने वाला नल जो होगा वो पानी भरने वाले के साथ लगा हुआ होगा और कितने घंटे में खाली हो जाती है बारह घंटे में खाली हो जाए तो वो कह रहा था ना अगर कोई छेद है अकेले काम करेगा तो आठ घंटे में खाली कर देगा अगर आपके पास पानी भरने वाला नल में खोल देता हूं किसके साथ खाली करने वाले के नल के साथ क्योंकि अगर भरने वाला खोलोगे तो भरेगी लेकिन टंकी खाली हो रही तो इसका मतलब दोनों काम कर रहे हैं भरने वाला भी और खाली करने वाला भी कैलकुलेशन करने के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे इनका एल्सियम कितना आ जाएगा चौबीस आठ या चौबीस बारह दूनी कितना आपके पास चौबीस क्लियर है यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अब एक चीज हमें पता है <coughs> इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ रही है दो की एफिशिएंसी आ रही है ठीक है और अब यहां पर अगर हम देखें क्योंकि ये क्या कर रहा है दो के हिसाब से पानी खाली कर रहा है तो हमें पता करना है कि भरने वाला जो नल है वो कितनी एफिशिएंसी अपने पास रखता है है ना क्योंकि जो खाली करने वाला नल है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है कितने का तीन का तीन यूनिट पानी निकालने का जब आपके पास खाली करने वाला नल और भरने वाला नल क्या हो जाएगा मिल जाएगा तब आपके पास तभी भी पानी क्या करा जाएगा खाली करा जाएगा कितना खाली किया करा जाएगा आपके पास दो के हिसाब से खाली करा जाएगा तो आप चीजें निकाल सकते हो यहां पे ठीक है दोनों के एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आपके पास दो है क्योंकि यहां पर पानी निकल रहा है तो हम क्या करेंगे आपके पास माइनस में इसको ले लेंगे ठीक है तो बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी एक अकेला तीन यूनिट पानी निकाल रहा है दो जनों के मिलने के बाद दो यूनिट पानी निकल रहा है तो पानी भरने वाला एक यूनिट पानी भरता होगा है ना तभी तो माइनस तीन के साथ प्लस वन अगर आप करोगे तो दो यूनिट पानी क्या करेगा आपके पास निकलेगा ठीक है तो अब मुझे पता चला कि पानी भरने वाला नल क्या करता है आपके पास एक के हिसाब से पानी भरता है कंडीशन क्या थी हमें टैंकी की कैपेसिटी बतानी थी और एक चीज मैं आपको बता दूं कैपेसिटी आप टैंकी तभी निकाल सकते हो जब ये जो कंडीशन है ना इस वाले नल की कैपेसिटी आप पता कर लो और फिर पता कर लो कि कितना टाइम लगेगा इसे कंडीशन कह रही है कि भरी टैंकी में अगर छह लीटर प्रति लीटर प्रति मिनट की दर से टैंकी को भरने वाला नल खोले तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टैंकी भरने में कितना समय लगेगा तो टैंकी हमारी है 24 लीटर की ठीक है एक यूनिट के हिसाब से पानी भरने वाला नल इसको भर सकता है तो टोटल कितने घंटे में यह भर देगा इसको 24 घंटे में भर देगा अब अगर इसने इसको 24 घंटे में भर दिया है तो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से हमें पता करना था ठीक है 12 घंटे टैंकी की कैपेसिटी पता करनी थी कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे चौबीस गुना कितना कर देंगे 6। अच्छा कुछ क्या हमारा? भरी टैंक एक छेद भरी टंकी को आठ घंटे में खाली कर देता है भरी टंकी में छह लीटर प्रति मिनट की दर से टैंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में टैंकी क्या हो जाती है खाली टैंकी की कैपेसिटी पता करने 6 लीटर प्रति मिनट ठीक है तो हमारे पास कितना आया है 24 घंटे आए हैं ना टंकी भरने में कितना समय लग रहा है 24 घंटे कैपेसिटी कैसे निकालेंगे कि जो भी आपके पास टाइम है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उसकी एफिशियंसी से कितनी एफिशियंसी है छह लीटर लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके पास भरने वाले की कैपेसिटी दे रखी है वो पर मिनट के हिसाब से दे रखी है और आपको टैंकी भरने में क्या लग रहे हैं घंटे लग रहे हैं तो आर्स को भी मिनट में आप क्या कर लो कन्वर्ट कर लो ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स इंटू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा चौबीस दूनी कितना आपके पास अड़तालीस अड़तालीस कितना होता है आपके पास वन फोर्टी फोर वन फोर फोर जीरो इंटू कितना हो जाएगा सिक्स जीरो का जीरो छह चौक चौबीस हासिल दो चौदह चिंग कितना आपके पास चौरासी और दो कितना आपके पास अट्ठासी सॉरी चौरासी और दो अठासी क्यों चौरासी और दो छियासी तो टैंकी की जो कैपेसिटी है वो आठ हजार छ सौ चालीस हो जाएगी दिया था उसमें तो जो हमारा टाइम है ध्यान रखना जिसके बारे में कंडीशन देर की होती है ना कभी भी अगर कैपेसिटी पूछी जाए जिसके बारे में कंडीशन देर की होती है पहले पता करो कि उसको टैंकी को भरने में या खाली करने में कितना समय लगेगा जितना भी समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से टाइम को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना आपको पता चल जाएगा टैंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है आठ हजार छह सौ चालीस नौ हजार नहीं होगी नौ हजार नहीं होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु को सिक्स ट्वेंटी फाइव रुपए में बेचने पर जितना मुनाफा होता है उतना ही लॉस उसको फोर थर्टी फाइव रुपए बेचने फोर थर्टी फाइव रुपए में बेचने पर होता है वस्तु का कीमत पता करो क्या होगा कभी भी आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि इतने रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही इतने रुपए में बेचने पर लॉस होता है यानी प्रॉफिट और लॉस अगर आपके पास बराबर होता है क्वेश्चन को समझना प्रॉफिट और लॉस अगर आपके पास बराबर होता है तो आपको कुछ नहीं करना सीपी निकालने के लिए दोनों एस को जोड़ो और क्या कर दो, दो से डिवाइड कर दो अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर हो रहा है तो इसका मतलब जो उसका सीपी होगा वो प्रॉफिट और लॉस के बिल्कुल बीच में होगा तभी तो जब वो प्रॉफिट में गया बराबर आया जब वो लॉस में गया बराबर आया तो कभी भी अगर हमें दो के बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं तो वही यहां पर लॉजिक लगा है जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है तो इसका मतलब सीपी जो होगा हमारा वो प्रॉफिट और लॉस के कहां पर होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा तो बस इसको जोड़ो और करो खत्म 625 प्लस कितना 435 डिवाइडेड बाय दो छह और चार कितना हो जाएगा एक हजार साठ डिवाइडेड बाय दो तो पांच रुपए क्या होगा इसका सीपी होगा पांच रुपए अगर सीपी है तो अगर आप इसको 625 में बेचोगे तो 625 में बेचने पर क्या होगा आपके पास नाइन्टी फाइव रुपए का प्रॉफिट और अगर आप 435 में बेचोगे तो फिर आपका 95 फाइव परसेंट फाइव रुपए का क्या हो जाएगा लॉस ठीक है चलिए और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा बीस हजार रुपए और चालीस हजार रुपए की राशि को तीन सालों के लिए 10 परसेंट और 15 परसेंट के साधारण ब्याज पर दिया गया टोटल एसपी सॉरी टोटल एसआई SI पता करो कितना होगा तो हमें एक चीज पता है एसआई SI जो है वो आर इंटू के हिसाब से मिलती है ठीक है पहले वाले के लिए कितना एसआई SI मिलेगा रेट कितना है उसका दस तीन साल के लिए तो पहले वाले में कितना एस आई मिलेगा मुझे तीस परसेंट दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पंद्रह समय वही है पंद्रह कितना हो जाएगा पैंतालीस तो पहला वाला जो आपके पास बीस हजार रुपए है यह एस आई कितना देगा तीस परसेंट देगा दूसरा वाला जो आपके पास प्रिंसिपल चालीस है तीन साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसमें पैंतालीस मिलेगा काटो दो से दो जीरो दो से दो जीरो काटो तीन जीरो तीन दूनी कितना हो जाएगा छ प्लस जीरो का जीरो पैंतालीस दूनी नब्बे नब्बे आपके पास एक सौ अस्सी यहां पर आपके पास मिल जाएगा इसमें कितना अट्ठारह हजार अठारह और छह कितना हो जाएगा आपके पास चौबीस हजार ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा चैप्टर है वो पूरे के पूरे रोल रूल, रूल फॉलो करता है किसके परसेंटेज वाले अगर आप इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को देखोगे तो लेकिन अगर आप एस आई बराबर पी आर टी हंड्रेड उस वाले तरीके से देखोगे तो क्वेश्चनों को फिर आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे क्लियर है चलिए चलिए तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन बाकी आपको देखो अगर ऐसे निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो एस आई बराबर पी आर टी हंड्रेड तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास बीस हजार रुपए रेट कितना है दस टाइम कितना है तीन बटे सौ तो ये हो जाएगा आपके पास बीस हजार गुणा दस तीस बटे सौ तो यही चीज तो हमने वहां पे करी है हमने फॉर्मूला नहीं लिखा हमें पता है आर इंटू के हिसाब से ही हमें क्या मिलता है एसआई मिलता है चलिए बहुत बढ़िया उत्कर्ष ट्वेंटी थाउजेंड तो चलिए बच्चों फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में ओके थैंक यू